We'll be right back.
तो वेल देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर बात कर ली जाए लिमिटेड ईस्पोर्ट्स प्रेजेंट्स ब्रेक डाउन ब्रेक पॉइंट 0.0 फेज 2 यहां पर जो है देखने को मिल जाएगा। क्वालीफायर्स इनवाइटेड क्वालीफायर्स यहां पर जो है देखने को मिल जाएंगे और मात्र 2 सेकंड ऐसे में बचे एंड देन उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे गाइस आज के दिन के अपने यहां पर जो है पहले मैच की तरफ। बाय डिफॉल्ट मैप हमारा जो बरमूडा का मैप रहने वाला है कास्टर डेक में। वेल देखिए मेरा नाम रहेगा नशर कास्ट एंड गाइस जो भी लोग हमारे स्ट्रीम पर पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज गाइस मेक श्योर टू हिट लाइक करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करना जो है बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बट अगर बात करी जाए फ्लाइंग पाथ की तो जी हां बिल्कुल एक ऑब्जर्वेटरी के रीजन की तरफ से अभी के लिए शुरुआत लेता नजर आएगा। प्लांटेशन एंड रिवर साइड के रीजन की तरफ जाकर ये फ्लाइंग पाथ ऐसे में यहां पर समाप्त होता हुआ नजर आ जाने वाला है। देखिए कुछ कमाल की टीम्स हमारे साथ जुड़ती हुई नजर आएंगी। शेड्यूल की अगर बात करी जाए तो 6 मैचेस हमको जो है देखने को मिल जाने वाले हैं एज यूजुअल डेली की तरह। और गाइस अगर आप स्ट्रीम पर पहली बार जुड़े लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जो है बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बट एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए टीम TSG के प्लेयर्स को तो बिल्कुल यहां पर जो है टीम TSG लेजेंड इस समय जंप आउट करते हुए नजर आ जाएंगे पूरी तरीके से हैंगर के आउटस्कर्ट्स रीजंस की तरफ यहां पर जो है बढ़ते हुए नजर आएंगे। बट फर्स्ट फाइट्स किस दिशा में चालू होंगी ये देखने वाली यहां पर देखिए जो बात है जरूर रहेगी। और हम सब जानते हैं टीम बॉस के प्लेयर्स यहां पर जो है फाइट्स के अंदर इन द अर्ली फेजेस में कई बार जो इनिशिएट है वो करते नजर आते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे टीम नॉनस्टॉप गेमिंग की तरफ से तो महेंद्र अपनी लूट यहां पर जो है कंप्लीट करते हुए जरूर नजर आ जाने वाले हैं। बट अगर बात करी जाए टीम पार के प्लेयर्स की तो इस समय डीपू बॉट 7 के हाथ में अभी तक एक भी कुछ अच्छे वेपन यहाँ पर लगे नहीं है। ज्यूस भी फटाफट से वेल अपना जो डिफेंस है वो फटाफट से समय यहाँ पर जो कंप्लीट है करना चाहेंगे। लेकिन कुछ फर्स्ट फाइट्स इस समय यहाँ पर इनिशिएट होती नजर आ रही है जहां पर पहली कैजुअल टीम पागल M10 के प्लेयर्स ने ऑलरेडी अपने नाम जो है कर लिया है और किंग एक्स M10 को अभी के लिए यहाँ पर देखिए फाइनली यहाँ पर लूज आउट कर दिया। बट लीजिए यहाँ पर जो शॉट्स है वो लिए जाएंगे एक बार वापस से कनेक्शन इतने कुछ खास मिलेंगे नहीं। ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करा जाएगा और SH गगन एक बार फिर से कुछ बेहतरीन तरीके से मीनवाइल जो ट्रेड्स है वो निकालते हुए आ रहे हैं। और देखते ही देखते अगर बात करेंगे ना तो पल भर में यहां पर मैं बोलना चाहूंगा पागल M10 ऐसे में यहां पर जो एलिमिनेशन है उनको अपना फेस करना है यहां पर जो है मिल चुका है। लेकिन अगर बात करी जाए कमाल की शुरुआत टीम SH ऑफिशियल के प्लेयर्स के लिए क्योंकि एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी है। जरूर ऐसे में यहां पर इन्होंने 2 कैजुअलिटी अपने नाम करी है लेकिन स्टिल अभी भी यहां पर कहीं ना कहीं जो उनके 2 प्लेयर्स हैं वो बचे हैं और रिकॉल 1 प्लेयर को तो ऑलरेडी ऐसे में यहां पर कर दिया गया है तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स अभी के लिए फिलहाल देखिए हमको जो है देखने को यहां पर मिलेंगे नहीं। लेकिन अगर बात की जाए कुछ और भी फाइट्स ऑलरेडी यहां पर हमको जो है चालू होती है ऐसा प्रतीत हो रहा है नजर आ जाएंगी जहां पर बात करते हैं 2 कैजुअलिटी ऑलरेडी यहां पर ले चुकी है टीम हुजाई ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स जस्ट XG एंड निशी स्टिल यहां पर जो है सर्वाइवल जरूर करते नजर आ जाने वाली। ये कार्य आसान नहीं रहेगा देखिए किसी भी टीम के लिए लेकिन LR7 ईस्पोर्ट्स की अगर बात करी जाए बिल्कुल अधीरज को यहां पर खो दिया है बहुत ज्यादा सोच समझ के यहां पर जो खेलने की दरकार है। एंड देवी और सज्जनों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज गाइस मेक श्योर टू हिट लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टीम पार टीम बॉस ऑफिशियल अभी के लिए फिलहाल बोला जाए जिस तरीके से सपोर्ट आ रहा है वो काफी ज्यादा शानदार है। लेकिन अगर देखिएगा सभी टीम्स को यहां पर दिखाया जाएगा बट रिवर्स साइड के रीजन की तरफ टीम ऑपरेक्स ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स वेल अपनी जो है लूट्स एंड ऑल यहां पर जो है कंप्लीट करते हुए नजर आ जाने वाले हैं बहुत ज्यादा आसानी से। बट टीम पावर की अगर बात करेंगे शुरुआत इतनी ज्यादा यहां पर मतलब अभी के लिए बहुत ज्यादा स्लो शुरुआत यहां पर ली है 2 ट्रेड्स ऑलरेडी ये प्लेयर जो है निकाल चुका है। साइको यहां पर जो है नाम रहेगा लेकिन इनको मालूम है इन द अर्ली फेज ऑफ द मैचेस में फाइट्स लेने जाएंगे तो आपको पोजीशनिंग पॉइंट्स इतने ज्यादा कुछ खास मिलेंगे नहीं सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा और हर एक एक जो कदम है ना फूक 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 कर रखना पड़ेगा। बट स्नेक के द्वारा कर दिए जाएंगे टेक डाउन और इस समय सुपरमैन को फटाफट से यहां पर जो रिवाइवल की प्रक्रिया है वो चालू करनी पड़ेगी अन्यथा ऐसे में यहां पर जो देखिए दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। दीपू बॉट 7 के द्वारा ऑलरेडी यहां पर जो शॉट्स है वो लिए जाएंगे स्नेक के द्वारा कंफर्मेशन सिक्योर कर लिया गया है सुपरमैन के ऊपर। और अब टीम पार की अगर बात करें तो इस समय थोड़ी सी यहां पर जो है समस्या बढ़ती नजर आ रही है। साइको के द्वारा एक अच्छा नॉक इस समय यहां पर दिया जाएगा लेट्स सी यहां पर कंफर्मेशन कितनी जल्दी यहां पर सिक्योर कर पाते हैं। और जी हां बिल्कुल जस्ट XD को ऑलरेडी टेक डाउन कर दिया है तो जस्ट XD इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनकी तरफ से हमको जो है एकमात्र इकलौता प्लेयर इस समय यहां पर जो दिखाई दे रहा क्योंकि थोड़ी देर पहले उनकी टीम ऑलरेडी हमको जो आउट नंबर है वो दिखाई दे रही। बट टीम TSG की बात करेंगे तो वो भी फाइट्स के अंदर यहां पर ऑलरेडी यू नो कमिटमेंट करते हुए नजर आए। लेकिन अब मार्स इलेक्ट्रिक के की तरफ ड्रैकुला को डिसएंगेज करके आगे इकलौती की तरफ यहां पर देखिए बढ़ना पड़ेगा। बट महेंद्र ऑन टू द अनदर एंड फ्रैक्स पे फ्रैक्स निकालते नजर आ रहे हैं। टीम बॉस की अगर बात करी जाए बिल्कुल एक बेहतरीन शुरुआत लेकिन एज ऑफ नाउ टीम पार की बात करी जाएगी तो साइको 2 फिनिशेस की जगह 3रा फिनिशेस ले चुके और चौथे प्लेयर को भी वेल यहां पर जो है काफी ज्यादा हद तक जो है ना
लो ऑन हीलिंग कर दिया है अपने लिए, यहाँ पर जो आइस वॉल का यहाँ पर इस्तेमाल करते नजर आएंगे, काफी ज्यादा आराम से होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ज्यूस इस समय यहाँ पर जो अपने प्लेयर से थोड़ा सा स्प्लिट में दिखाई दे रहे हैं, हेलमेट की यहाँ पर दरकार रहने वाली है। लेवल वन के हेलमेट इतना ज्यादा अच्छा है यहाँ पर जो सेफ्टी कुशन आपको यहाँ पर देगा नहीं, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें जो गगन है वो भी ऑलरेडी यहाँ पर जो है कुछ बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ऑलरेडी जो फाइट सब निकालते नजर आएंगे। लेकिन निशी का टेक डाउन हो जाना मैवरिक और स्नेक के लिए ये बिल्कुल भी एक सही संदेश नहीं है, और एक एक करके टीम होसाई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स यू नो टेक डाउन होते नजर आ रहे हैं। और स्नेक के ऊपर भी देखिए जो डैमेज है वो काफी ज्यादा पड़ रहा है, अपने आप को जो हील करते नजर आएंगे, कुछ प्रोटेक्शन शील्ड अभी यहाँ पर लगाते नजर आ रहे हैं, आइस बॉल का जो इस्तेमाल है करेंगे। लेकिन अभी के लेवल देखिए जो शॉट्स लिए जाएंगे स्नेक के द्वारा ज्यूस को करा जाएगा टेक डाउन। डीपू बॉट 7 के ऊपर अब पूरा का पूरा जो दारू मदार है इस टीम कंधों पर आ चुका है, बट टीम पावर का जो दारोमदार है वो दीपू बॉट 07 के कंधों पर। लेकिन स्नेक इस समय रुकने का नाम नहीं ले रहा है, आई कैन नॉट बिलीव व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ, अगेन एंड अगेन यहां पर जो है फिनिशर्स पे फिनिशर्स ये जो प्लेयर है वो निकालता नजर आ रहा है अपनी M141 के साथ। और बिल्कुल स्नेक ने यहां पर कुछ बहुमूल्य अंक अपनी टीम के लिए अर्जित करे, जो परिस्थितियां इनके विपरीत जाती नजर आ रही थी, काफी ज्यादा शानदार तरीके से फाइट्स निकालेंगे और एक बार फिर से अपनी टीम को थोड़ा सा एक अच्छा सेफ्टी कुशन यहां पर जो है प्रोवाइड करेंगे, जिसके चलते सर्वाइवल करने के जो चांसेस है वो थोड़े से ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन ऑन टू द अनदर हैंड देखा जाए, जब ये फाइट चालू हुई थी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि टीम पावर के प्लेयर्स ना एक बहुत बेहतरीन तरीके से यहां पर जो है देखिए प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए अगर बात करी जाए ऐसा प्रतीत होता कि टीम पावर के प्लेयर्स ने यहाँ पर जो है काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से यहाँ पर यू नो जो प्रदर्शन है वो दिखाया। लेकिन अगर बात करते हैं लेट्स सी, जब यहाँ पर जो ये फाइट एंड हुई तो देखते ही देखते यहाँ पर अचानक से जो ये टीम है वो आउट नंबर यहाँ पर जो होती नजर आई। लेकिन PW की तरफ से यहाँ पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल बहुत 7 स्टिल यहाँ पर जो है बिल्कुल देखिए होल्ड करते नजर आएंगे। ज्यूस की अगर बात करी जाए साइको के अराउंड यहाँ पर जो है पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात रहने वाले हैं। अलॉन्ग साइड अगर टीम पावर की बात करते तो जी हाँ बिल्कुल 4 फिनिशर्स इस प्लेयर के नाम आ चुके हैं, और जो प्लेयर्स को लूज आउट कर रहा था उनको एक इजी रिकॉल भी यहां पर जो है कर दिया गया है। तो इसमें यहां पर देखिए कुछ चिंता वाली बात रहने वाली है नहीं, और एक अच्छा मौका मिला था यहां पर सरवाइव करने का, उसको भली बात ही तरीके से यहां पर एडॉप्ट करते हुए नजर आए। लेकिन अगर बात करते हैं देखिए टीम नंबर 4 की, तो जो कि यहां पर SH ऑफिशियल के प्लेयर्स हैं उनके लिए उनके द्वारा भी एक बहुत ज्यादा संभली हुई शुरुआत देखने को मिली है। जोन की अगर बात करें पहला जोन हमको जिस तरीके से बहुत ज्यादा सेंट्रिक टाइप ऑफ देखने को मिला था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लास्ट जोन ये जो श्रिंक आया है वो कंप्लीटली एक नॉर्थ वेस्टर्न श्रिंक हमको जो है कहीं ना कहीं विटनेस करने को यहां पर मिला है। तो भीमा शक्ति जो स्ट्रिप है वहां पर एक प्रॉपर यहां पर बात करी जाए डेड सेंटर हमको जो विटनेस करने को मिल रहा है। पीक के रीजन की तरफ भी ऑलरेडी हमको जो प्लेयर्स हैं वो तैनात दिखाई देने वाले, बट टीम TSG लेजेंड्स की बात करी जाए थोड़ी देर पहले 2 प्लेयर्स हमने खो दिए थे, लेकिन ड्रैकुला एक बार वापस से यहां पर जो अपनी टीम को एक साथ अपने साथ यहां पर जो लेकर आगे बढ़ते हुए यहां पर जो है नजर आ जाएंगे। लेकिन ज्यूस की बात करी जाए उनके द्वारा भी यही प्रयास रहेगा कि किसी ना किसी तरीके से यू नो अपने प्लेयर्स को जो है बैक करा जाए। लेकिन डीम बॉस की अगर बात करें वो इस समय इस मैच के आज के दिन के पहले मैच में यहां पर बॉस बनने के लिए यहां पर देखिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है। पहला किल यहां पर जो है अपना पहला एलिमिनेशन यहां पर जो अपने नाम जो है लेते हुए जरूर नजर आ जाएंगे। लेकिन इस समय एज ऑफ नाउ रोटेशंस का जो सिलसिला है वो इनके द्वारा रहने वाला है जारी, क्योंकि जानते हैं काफी ज्यादा दूर है अभी भी आउटसाइड ऑफ द जोन है, तो ये चुनौती जो है वो आसान रहेगी नहीं, क्योंकि ब्रीदिंग स्पेस जैसे जैसे कम होगा प्लेयर्स के बीच में यहां पर जो है जैसे जैसे जोन यहां पर छोटा होगा ब्रीदिंग स्पेस उतना ज्यादा कम होगा और जो फाइट्स हैं उतनी ही ज्यादा जल्दी ऐसे में वेल यू नो जो चालू है वो होती नजर आ जाने वाली है। एंड गाइस यहां पर फिलहाल अगर बात करते हैं तो HE की तरफ से यहां पर जो निशी है वो बिल्कुल देखिए आराम से यू नो जो वेट है वो करते हुए जरूर नजर आएंगे। बट गाइस अगर बात करी जाए जो हमारा लाइक टारगेट है यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा रहने वाला है गाइस कहीं ना कहीं 100 लाइक्स का, तो प्लीज गाइस मेक श्योर टू इट यार, लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए जिन्होंने भी यहाँ पर जो अभी तक ना करा। टीम HE के प्लेयर्स स्टिल वेट करते नजर आ रहे हैं। जस्ट यहाँ पर बात करते हैं 4 फिनिशर्स ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। स्नेक ने एक बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया, एक सेवियर का जो रोल है वो अदा करते हुए नजर आएंगे। हाउ टू ज्वाइन मेरे भाई, यहाँ पर जो है आप डिस्कॉर्ड सर्वर जाइए ज्वाइन करिए, वहां पर डेली यहां पर जो है रजिस्ट्रेशन होते हैं फॉर द मतलब अपकमिंग इवेंट्स के लिए, और जब आप और भी ज्यादा बेहतर खेलेंगे तो आपको कुछ इनवाइटेड स्लॉट्स पर भी जो है जगह मिलेगी लेविटेड ई-स्पोर्ट्स के द्वारा जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स करवाए जाते हैं। बट टीम K98 सागर की अगर बात करें तो वो भी यहां पर जो है ट्रेड्स निकालना चालू कर चुके हैं। टीम TSG लेजेंड यहां पर स्टिल थोड़ी देर पहले आउट नंबर थे, लेकिन फिर से एक बार जिन्होंने अब इनको सेव करा था ड्रैकुला उनको यहां पर लूज आउट कर बैठे। अंशुल की बात करी जाए बिल्कुल आराम से यहां पर
होल्ड करते नजर आएंगे। फिर से एक बार ड्रैकुला को रिवाइवल की प्रक्रिया जो है, रिकॉल की जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी, बट देखते हैं कितनी जल्दी रिकॉल कर पाते, क्योंकि हम सब जानते हैं इन द एंड ये सर्वाइवल गेम है। जितने ज्यादा प्लेयर ऑफ नंबर्स के साथ, यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्लेयर्स के साथ इन द एंड गेम तक पहुंचोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। बट ये लीजिए TSG लेजेंड यहाँ पर जो है एक्स 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 के ऊपर यहाँ पर जो है ऑलरेडी यहाँ पर जो शॉट है वो लिए जा रहे हैं और डैमेज यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिला है। 150% जो हीलिंग्स हैं HP पर आके खड़े हो चुके थे। काफी ज्यादा लकी रहे कि एक सही समय पे हमको जो है डिसएंगेजमेंट यहाँ पर फिलहाल देखिए देखने को मिल गया। बट ड्रैकुला अंशुल आदित्य इस समय जोन आउटरन करेगा और जोन का डैमेज आप बिल्कुल भी देखिए जो एफोर्ड है तो नहीं कर सकते, तो फटाफट से आपको जो है जोन के अंदर देखिए बढ़ना पड़ेगा। 42 प्लेयर अभी भी कहीं जीवित है, कोई भी टीम हार मानने के लिए यहाँ पर देखिए तैयार नहीं दिख रही है। आराम से पहले यहाँ पर जो है होल्ड करा जा रहा है हर एक प्लेयर के द्वारा। बट बीमा शक्ति श्रिप्ट की अगर बात करी जाए, लेट्स सी कि हमारा जो जोन है वो किस दिशा में यहाँ पर जो है बढ़ता नजर आएगा। एक अगर कहीं ना कहीं अगर साउथ ईस्टर्न श्रृंखला बैकफुट में ढकेले जाएंगे क्योंकि महेंद्र इस समय टेक डाउन है। वेल यहां पर पीछे की तरफ एक और प्लेयर को करा जाएगा देखिए स्पॉट आउट, लेकिन राहुल के द्वारा भी कुछ अच्छी एलिमिनेशन जो है सिक्योर करी जा रही है। विशाल चाहकर भी जो है कवर फायर जो है प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। जालिम की बात करें, हाई ग्राउंड्स को यहां पर जो है पूरी तरीके से एक्वायर करके बैठे और पीछे की तरफ एक प्लेयर को देखिए ऑलरेडी यहां पर स्पॉट आउट कर लिया है। एक अच्छा एंटल यहां पर मिला है, लेकिन जानते हैं कि अगर इस समय शॉट लिए तो क्या पता यहाँ पर जो है सपोर्ट आए ना है। डेट्स वाई यहाँ पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्कुल होल्ड कर जो है खेलना जो है सही समझ रहे हैं। लेकिन SE के प्लेयर्स क्रेजी जाट एक अच्छा ग्रेनेड करा, लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां उनके विपरीत जाती नजर आ रही हैं, क्योंकि राहुल ने यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो मन है वो बना लिया है कि अब दिक्कतें जो है वो बढ़ानी है। और टीम SH ऑफिशियल इस समय हावी होती हुई नजर आ रही है साइकी स्पोर्ट्स के ऊपर। बट निखिल के द्वारा विशाल 07 का एलिमिनेशन हमको जो है फिलहाल देखिए विटनेस करने को मिल जाएगा। बट जालिम यहाँ पर यू नो अभी भी वेट करते हुए नजर आएंगे। एस्ट्रा की अगर बात करते हैं तो आगे की तरफ ये जो टीम है वो भी बढ़ती नजर आ रही है। बट फैब निखिल एज ऑफ नाउ बिल्कुल देखिए प्रिपेयर रहेंगे और बीमा शक्ति स्ट्रिप एक साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मैप्स की तरफ से ऑलरेडी रोटेशंस यहां पर जो है जारी रहने वाले हैं। बट 33 प्लेयर, 3 एलिमिनेशन निखिल अपने नाम जो ऑलरेडी कर चुके हैं। इस टीम के नाम अगर देखे जाए तो पूर्ण रूप से यहां पर जो फिनिशर्स है वो काफी ज्यादा सिक्योर करेंगे। और गगन अभी भी यहां पर फिलहाल देखिए रुकने का नाम नहीं ले रहे। गगन राहुल की ये जोड़ी पूरी तरीके से जिस भी किसी को यहां पर स्पॉट आउट करें एलिमिनेट करेंगे। गगन एज अ इंडिविजुअल प्लेयर अगर बात करें तो 4 एलिमिनेशन ले चुके हैं और टीम SH ऑफिशियल के द्वारा एक कमाल का जो आगाज है वो हमको देखने को मिला। लेकिन सम्राट को अगर इस समय यहाँ पर सर्वाइव करना है तो पूरी तरीके से यहाँ पर होल्ड करना होगा, एक बेहतरीन पोजिशनल प्ले यहाँ पर बनाना होगा, क्योंकि महेंद्र एंड एस्ट्रा तो ऑलरेडी यहाँ पर जो है पूरी तरीके से कुछ अच्छे खासे हाई ग्राउंड्स को जो है एक्वायर कर चुके हैं। लेकिन अगर बात करी जाए टीम पार के प्लेयर्स की तो वो ना बिल्कुल आराम से यू नो जो वेट है वो करते नजर आ रहे हैं, पूरी तरीके से आराम से यू नो जो होल्ड है वो करते नजर आएंगे। बट क्लॉक टावर जोन देखिए तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द लास्ट जोन यहाँ पर जो है बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है साउथ वेस्टर्न आया था, लेकिन इस बार जोन किस दिशा में जाएगा, क्योंकि जोन देखते देखते देखिए काफी ज्यादा छोटा होता हुआ नजर आ जाएगा। एंड स्टिल यहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ टीम्स हमारे बीच तैनात, बट जोन का एक नदन श्रिंक और जोन का जो श्रिंक है वो आना भी चालू होगा 50 सेकंड के अंदर, तो टीम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती। और अब किल फीड यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से चलती नजर आएगी। AJ गॉड ने एक प्लेयर को टेक डाउन जरूर करा, लेकिन डाउनफॉल इस समय यहाँ पर जो है वापस यहाँ पर जो एंट्री है वो बनाना चाहते हैं। लेकिन ऊपर अगर बात की जाए AS45 विद डेड पिस्टल, क्या इनको नीचे उतरने का यहां पर मौका मिलेगा, क्योंकि डाउनफॉल एनी तो ऑलरेडी यहां पर दिक्कतों में, बट देखिए डाउनफॉल को भी कर दिया जाएगा टेक डाउन। इस समय जो परिस्थितियां हैं वो अचानक से काफी ज्यादा विपरीत टीम बॉस ऑफिशियल के और AS45 एकमात्र इकलौता प्लेयर, बट विद डेड G18 यहां पर एक टेक डाउन तो निकाल दिया, बट कंफर्मेशंस लेना चाहते हैं। डैमेज कांस्टेंट यहां पर इनके ऊपर जो है पड़ता नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी कुछ और बेहतरीन कनेक्शंस बनाने होंगे और जी हां बिल्कुल लाइंसों को एलिमिनेट करते नजर आ जाएंगे इन द एंड गेम्स में। अब तो रिकॉल करना भी देखिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहने वाला है। लेकिन अगर बात करते हैं एक बेहतरीन फाइट निकाली अपनी टीम के लिए, क्योंकि हर एक एक अंक वो जो है पॉइंट्स टेबल में काफी ज्यादा क्रूशियल रहता है और टीम बॉस ऑफिशियल लड़ना जानते हैं, किस तरीके से कमबैक करना है वो जानते हैं। लेकिन सुपरमैन ऑन टू द अनदर एंड बिल्कुल यहां पर जो डैमेज है अपने ऊपर लेंगे। 173 यहां पर जो HP ऑलरेडी हो चुकी है, फर्स्ट एड इस समय यहां पर जो है पॉप इन करते हुए नजर आएंगे। बट क्या नीचे से ऐसे में यहां पर जो जंप है
अगर वर्स्ट ओवर से जंप आती है तो दिक्कतें बढ़ेंगी, बट बैक टू बैक ग्रेनेड्स का इस्तेमाल देखिए करा जा रहा है। पैन लेकर यहां पर जो है पैन अपने हाथ में जरूर लिया था, बट इस आइस बॉल को यहां पर जो एक बार वापस से ब्रेक डाउन करते हुए नजर आ जाएंगे। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी भी यहां पर जो एक प्लेयर है वो इनके बहुत ज्यादा करीब है, देखिए सम्राट। और अगर बात करते हैं मात्र एक बॉल का यहां पर डिफरेंस है, लेकिन यहां पर सुपरमैन इतनी ज्यादा आसानी से एलिमिनेट नहीं होने वाले और अपने नाम को देखिए वेल पूरी तरीके से यू नो जस्टिफाई करते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक टीम जिसने काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से अभी तक तो यहाँ पर जो सर्वाइव यहाँ पर करा है, लेकिन टीम हुजाई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स अब थोड़ा सा यहाँ पर जो बैकफुट में देखने जाएंगे, लेकिन स्नैपी को कर दिया जाएगा टेक डाउन मैवरिक के द्वारा और कंफर्मेशन यहाँ पर लेते नजर आ रहे हैं। क्वाड्रा केल ऑलरेडी यहाँ पर ये दोनों प्लेयर्स स्नैक और मैवरिक के द्वारा एक शानदार प्रदर्शन, टीम के खाते में एलिमिनेशन तो काफी ज्यादा गए हैं, लेकिन स्नैक की बात करी जाए डैमेज अपने ऊपर कॉन्स्टेंट यहाँ पर लेते नजर आएंगे, बहुत ज्यादा करीब उनके लिए एक ये प्लेयर आ चुका है। ये 1v1 का एक प्रॉपर 1v1 की फाइट है, कवर फायर की दरकार रहेगी और जी हाँ ऐसा प्रतीत होता है मैवरिक को कर दिया जाएगा टेक डाउन। स्नेक भी एक मात्र आखिरी प्लेयर और एस्ट्रा उनका भी कंफर्मेशन यहां पर सिक्योर करेंगे। नॉन स्टॉप गेमिंग इस समय यहां पर जो अपने नाम को जस्टिफाई कर रही है, अगेन एंड अगेन आगे जा रहे हैं, ट्रेड्स निकाल रहे हैं, बट अंतिम 9 प्लेयर 8 प्लेयर बचे हुए हैं। लेट्स सी किस तरीके से और कौन सी वो टीम रहेगी जो कि बुया इस मैच में अपने नाम जो है देखिए करती हुई नजर आएगी। बट टीम एस एच ऑफिशियल्स की अगर बात करते ना तो राहुल शुरुआती क्षणों से काफी ज्यादा सूझबूझ के साथ खेलते नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से यहाँ पर देखिए जो प्रदर्शन है वो करते नजर आएंगे, लेकिन जो डैमेज है वो काफी ज्यादा ऑलरेडी यहाँ पर हाई दे दिया है अपने अपोनेंट को, लेकिन इनको खुद को भी जोन के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा क्योंकि जोन इस समय आपको जो है बाहर रहने की जो अनुमति है वो नहीं देगा और एक ईजी एलिमिनेशन यहाँ पर जो है प्ले जोन के नाम यहाँ पर जाएगा। तो ये फिनिश तो अभी के लिए फिलहाल देखिए किसी के नाम नहीं जाने वाला है, लेकिन अगर बात करते हैं टीम ऑपरेक्स ईस्पोर्ट्स की तो वो बिल्कुल अभी भी होल्ड करते हुए नजर आ जाएंगे। के द्वारा यहां पर जो स्टिल यहां पर प्रयास करा जा रहा है कुछ अच्छे बोल्ट एक्शन के साथ यहां पर जो है फिनिश सिक्योर करने का, बट सुपरमैन एलिमिनेट हो जाने वाले हैं आउटसाइड ऑफ जोन। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग अब ये जो फाइट्स हैं वो एक प्रॉपर हमको जो है 3v2 की देखने को मिल जाएगी, जहां पर महेंद्र और एस्ट्रा अभी भी हाई ग्राउंड से उनको जोन के अंदर आना है, दूसरी तरफ यहां पर जो डीपेन है वो काफी ज्यादा देखिए करीब जाते हुए नजर आ जाने वाले हैं। तो जो परिस्थितियां हैं वो तो विपरीत जाती नजर आ रही, बट महेंद्र बीइंग दैट नाउ सोलो प्लेयर एंड लेट्स सी फिलहाल क्या ऐसे में यहां पर जो क्लच आउट कर पाते हैं नहीं या फिर टीम ऑपरेक्स ईस्पोर्ट्स, बट फिलहाल ये लीजिए डीपेन को कर दिया जाएगा टेक डाउन। क्या ये एक टेबल टर्निंग मैच हो सकता है, क्या यहां से एक नेल बाइटिंग मैच देखने को मिलेगा, क्या कुछ क्लच क्रिएट कर पाएंगे? और जी हां बिल्कुल क्षेत्री को भी कर दिया जाएगा टेक डाउन एंड जाएंगे बीइंग दैट नाउ सोलो प्लेयर। एक एक करके अगर ये टीम इसी प्रकार से आती रही तो एक एक करके यहां पर जो बैक टू पवेलियन है टीम नॉन स्टॉप गेमिंग की तरफ से जो महेंद्र है उनको भेजते हुए नजर आ जाने वाले हैं। लेट्स सी क्या एक ये 1v4 हमको आज के दिन के पहले मैच में ही देखने को मिल जाएगा। चांसेस काफी ज्यादा आए हैं क्योंकि काफी ज्यादा लो ऑन हीलिंग कर दिया, लेकिन इन द एंड जाएंगे आएंगे और टीम ऑपरेक्स ई स्पोर्ट्स के लिए ये बुया अपने नाम सिक्योर करते नजर आएंगे। बहुत क्रूशियल था ये 1v1 क्योंकि लगभग टीम नॉन स्टॉप गेमिंग ने मुंह से मतलब जबड़ों से यहां पर वो जो फाइट है वो बाहर निकाल ही ली थी, 1v3 कर दिया था, लेकिन इन द एंड काफी ज्यादा शानदार तरीके से मैनेज करा। अगर टोटल फिनिशेस की बात करी जाए ऑपरेक्स ईस्पोर्ट्स के तो वो यहां पर जो है 6-4-10-11 एलिमिनेशन और साथ में एक बुया, तो एक कमाल के यहां पर जो अंक है वो हासिल करते हुए नजर आए। एक बेहतरीन शुरुआत अभी के लिए फिलहाल देखिए हमको जो है विटनेस करने को मिली, लेकिन दूसरे पायदान पर टीम एनजी के प्लेयर्स भी देखने को मिल जाएंगे इस मैच में, लेकिन उनके नाम टोटल 7 एलिमिनेशन जाएंगे। टीम नॉन स्टॉप गेमिंग की एक कमाल की शुरुआत, सुपरमैन ने जिस तरीके से अपनी टीम को इस तीसरे पायदान तक पहुंचाया वो काफी ज्यादा शानदार था। बट चलिए गाइस लेते हैं फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार मिलेंगे आज के दिन के वेल अपने दूसरे मैच की तरफ। जुड़ना यहां पर मत भूलिएगा, स्ट्रीम को लाइक नहीं करा, शेयर नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा तो जाइए गाइस फटाफट से कर दीजिए।
वेल देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर बात करी जाए ब्रेक पॉइंट 0.2 में, यहाँ पर जो है बिल्कुल आप सभी का एक बार फिर से यहाँ पर जो है स्वागत रहने वाला है। एंड विदाउट विच एनी टाइम बढ़ते हैं गाइस आज के दिन के अपने यहाँ पर दूसरे मैच प्रोग्रेटरी की तरफ। एंड अगर देखा जाए फ्लाइंग पाथ ऑलरेडी हमको जो है एक मोथ हाउस के रीजन की तरफ से यहाँ पर जो शुरुआत लेता नजर आएगा, ब्रेजिलिया के रीजन की तरफ जाकर एट द एंड सेंट्रल के रीजन की तरफ जाकर यहाँ पर देखिए समाप्त हो रहा है। तो काफी ज्यादा बेहतरीन फ्लाइंग पाथ यहाँ पर जो ऑलरेडी हमको जो विटनेस करने को मिला है। लेकिन देखते हैं जब जोन की बात आएगी तो जोन किस तरीके से रहने वाला, और जो टीम्स ऑलरेडी काफी ज्यादा हार्ड वेस्टर्न लाइक यहां पर जो है मार्बल वर्क्स के रीजंस की तरफ जाना चाहती हैं उनके लिए चुनौती देखिए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिल्कुल भी आसान जो है नहीं रहने वाली। बट क्रेजी जाट के ऊपर ऑलरेडी कुछ अच्छे शॉट्स आना चालू हो चुके हैं, लेकिन फाइट्स का सिलसिला भी एक तरफ यहां पर जो जारी होता नजर आएगा। पिछले मैच में सुपरमैन इन द एंड गेम्स तक ले गए थे, लेकिन इस मैच में यहां पर जो चुनौती है वो आसान नहीं रहने वाली है क्योंकि मैप बदला है, जो स्ट्रेटजी है वो एक बार फिर से यहाँ पर बदलेगी। लेकिन सुपरमैन इनको फर्क नहीं पड़ता मैप कहीं पर भी हो जाए, लेकिन अगर इनके सामने इनको प्लेयर दिखेगा तो पूरी तरीके से ये जो पॉइंट्स है वो सिक्योर करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। और टीम पावर सचमुच में अपना जो पावर है, अपना जो दमखम है, वो पूरी तरीके से अपनी गन पावर के साथ यहाँ पर जो देखिए दिखाती हुई जरूर नजर आ जाने वाली है। लेकिन अगर बात करते हैं टीम टीएसजी लेजेंड्स की, तो उन्होंने भी फाइट्स का सिलसिला देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर जो है चालू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो है ट्रिपल एक्स ने यहाँ पर जो ऑलरेडी यहाँ पर जो फाइट्स है वो निकालना चालू कर दिया। ड्रैकुला, अदीब एंड लेजेंड एफएफ भी जो है स्टिल यहाँ पर जो वेट है करते नजर आएंगे। लेकिन सुपरमैन की बात करें, इनको मालूम है हमारे क्लोज रेंज क्वार्टर्स में ऑलरेडी एक टीम विटनेस करने को यहाँ पर जो मिल रही थी। लेकिन अगर बात करें फर्स्ट जोन की, तो एक बार फिर से काफी ज्यादा सेंट्रल पीरियोडिक यहाँ पर जो हमको जो ये फर्स्ट जोन है विटनेस करने को मिला है। टीम्स ज्यादा हमने देखा कि पिछले मैच में भी यहाँ पर देखिए जो फाइट्स हैं वो नहीं इनिशिएट कर रही है, बिल्कुल आराम से यहाँ पर जो रुक कर जो है खेलती जरूर नजर आ जाने वाली है। लेकिन सुपरमैन, ज्यूस एंड साइको यहाँ पर स्टिल यहाँ पर जो है बिल्कुल होल्ड करते नजर आएंगे। लेकिन आरएसजी के अगर प्लेयर्स की बात करी जाए तो बिल्कुल अगर टीम नंबर 7 जो कि हमारे 20 टीम बॉस ऑफिशियल्स के प्लेयर से, वो बिल्कुल बॉस बनकर जो है इस मैच को अपने नाम जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए दिन की शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन उस पहले मैच को उतनी ज्यादा बेहतरीन तरीके से यहाँ पर देखिए जो कैपिटलाइज है वो नहीं कर पाए। एंड अधीरज की अगर बात करी जाएगी, तो पिछले मैच में सबसे पहला प्लेयर ऐसा बनना था जिसके यहाँ पर जो फर्स्ट ब्लड इनके ऊपर देखने को मिला था, लेकिन इस बार LR7 ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स अपना एक जो इंपैक्ट है वो जरूर यहाँ पर छोड़ना चाहेंगे। लेकिन ऑपरेक्स ई-स्पोर्ट्स जाएंगी, पिछले मैच में बुया यहाँ पर अपने नाम जो सिक्योर करते नजर आए, लेकिन यहाँ पर डीप एन ऑलरेडी यहाँ पर टेक डाउन है और इससे समझ में आता है कि वेल उनका कंफर्मेशन आ गया है। तो एक प्लेयर ऑलरेडी हमको जो है उनके काफी ज्यादा करीब यहाँ पर देखिए देखने को मिल रहा है, अधीरज इस समय यहाँ पर जो है टेक डाउन रहने वाले हैं। कनिष्क की अगर बात करी जाए, अभी तक फिलहाल देखिए वेपन मिला नहीं है, तो बचा पाना अधीरज को थोड़ा सा अब यहाँ पर जो है नामुमकिन सा लग रहा है। क्वेरी के इस रीजन में यहाँ पर जो फाइट है वो हमको विटनेस करने को मिल रही है, और टीएसजी की तरफ से यहाँ पर जो है अधी पूरी तरीके से यहां पर जो कंफर्मेशन से सिक्योर करते नजर आ रहे हैं स्क्वेरी के आउटस्कर्ट्स के रीजंस की तरफ से अपनी टीम के लिए दूसरा किल और अपने लिए एज ए इंडिविजुअल प्लेयर यहाँ पर जो पहला एलिमिनेशन अपने नाम करेंगे। बट ड्रैकुला मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं और इन्होंने स्पॉट आउट करके रखा हुआ है किसी एक प्लेयर को, उनके पास वेपन भी नहीं है और दिक्कतें ऐसे में यहाँ पर देखिए जो है बढ़ सकती है। जी हाँ बिल्कुल, शॉर्ट्स ले जाएंगे, ड्रैकुला चूकने वाले नहीं है। कनिष्क को M187 के साथ यहाँ पर जो है टेक डाउन करा जाएगा, एंड वेल जो कन्फर्मेशन है वो भी यहाँ पर सिक्योर करी जा रही है। बट टीम टीम टीएसजी लेजेंड के जो प्लेयर हैं, एक शानदार प्रदर्शन यहां पर जो फिलहाल हमको जो देखने को मिल जाएगा। लेकिन स्नेक के द्वारा एक बार फिर से एक कमाल की शुरुआत देखने को मिलेगी, मैवरिक भी ऑन टू द अनदर एंड फाइट्स वगैरह यहां पर जो है लेते हुए नजर आ जाएंगे। तो टीम एचई के प्लेयर्स की अगर बात करते हैं तो मैवरिक, स्नेक, निशी एंड यहां पर जस्ट एक्सजी पूरी तरीके से यहां पर देखिए कुछ और प्लेयर्स को फिगर आउट करने के लिए आगे की तरफ यहां पर बढ़ रहे हैं, क्योंकि तीन एलिमिनेशंस ऑलरेडी ये टीम अपने नाम जो है कर चुकी है और ऐसा प्रतीत हो रहा है अब जो संकेत हैं उनके बचने के जो संकेत हैं और जो संदेश हैं वो मुझे काफी ज्यादा कम दिख रहे हैं, क्योंकि व्हीकल तो चलिए इन्होंने शुरुआत कर ली है लेकिन व्हीकल को चलाते चलाते ही अपने आप को जो बूस्ट कर लेंगे, लेकिन व्हीकल से उतरना पड़ेगा क्योंकि जो शॉट्स हैं वो काफी ज्यादा हद तक यहाँ पर इनके ऊपर लिए जा रहे हैं। बच पाना इट सीम्स लाइक इम्पॉसिबल क्योंकि ऑल इन अटैक के साथ, लेकिन स्नेक को देखते ही देखते कर दिया जाएगा टेक डाउन। और द वेल टीम डू और डाई, करो या मरो जैसा कि इनका नाम है, इस समय तो यहां पर जो है मर रहे हैं। तीन प्लेयर्स ऑलरेडी यहां पर जो एलिमिनेट हो चुके हैं, बट रिकॉल की वजह से यहां पर जो जीवित होने के वापस से यहां पर जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा देखिए पनपते हैं। लेकिन
अब K98 सागर यहाँ पर जो है आराम से, यहाँ पर देखिए जो है बिल्कुल टिक कर जो है खेलते नजर आएंगे, लेकिन टीम पागल M10 की अगर बात करी जो है, वेल देखिए बिल्कुल वो भी वेट करते हुए नजर जरूर आ जाने वाले। कृषु M10 MJGD यहाँ पर जो है बिल्कुल वेल देखिए होल्ड करते नजर आएंगे। किंग M10 ऑलरेडी यहाँ पर टेक डाउन है, और साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो टीम पागल M10 के जो प्लेयर्स है ना, वो किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर जो जरूर सर्वाइवल करना चाहेंगे। वो जानते हैं कि इस समय एक प्लेयर ऑलरेडी लूज आउट कर दिया M10, बहुत ज्यादा क्रुशियल किंग M10 को खो दिया, लेकिन अब हम एक और प्लेयर जो है अगर लूज एफोर्ड नहीं कर सकते, और बिल्कुल इनके जो बचे हुए प्लेयर्स है वो थोड़ा सा दूर हैं, बट वेल थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा दूर है। और जहां पर बात करी जाए MJGD जो है वो धीमे धीमे करके एनक्लोजर करने का प्रयास कर रहे हैं, एक एंगल को यहां पर ब्लॉक करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन लियो की अगर बात करें तो लियो स्टिल यहाँ पर जो है वेट करेंगे, एंड जालिम के द्वारा जो कंफर्मेशन है वो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर जो सिक्योर है करी जा रही है, तो इससे समझ में आता है जो प्रॉब्लम्स है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ेंगी। और टीम नॉन स्टॉप गेमिंग इस मैच में यहाँ पर जो है फिर से एक बार नॉन स्टॉप फिनिशेस निकालने के लिए देखिए अपने आप को जो प्रिपेयर्ड है वो कर रही है। महेंद्र यहाँ पर एक बार फिर से काफी ज्यादा करीब जाते हुए नजर आ जाने वाले हैं अपने अपोनेंट्स के, एंड फटाफट से यहाँ पर जो हील है वो करेंगे, बट बैक टू बैक देखिए यहाँ पर जो ग्रेनेड्स वगैरह यहाँ पर जो पिन पॉइंट करे जा रहे हैं, बट कनेक्शन अभी के लिए फिलहाल उतने कुछ खास नहीं, और स्नेक द्वारा कर दिया जाएगा महेंद्र को टेक डाउन, जालिम को भी कर दिया जाएगा मीनवाइल मैवरिक के द्वारा टेक डाउन, और एक बार फिर से कुछ कमाल का कमबैक देखने को मिल रहा है टीम यूडॉक की तरफ से। वेल जैक यहां पर जो स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं टेक डाउन, मल्टीपल नंबर ऑफ टीम्स इनको डिफरेंट डिफरेंट साइड्स में यहां पर देखिए जो है सप्रेस करती हुई यहां पर पूर्ण रूप से यहां पर मैं बोलना चाहूंगा नजर आ रही है, और जो फाइट्स का सिलसिला है वो भी यहां पर जो है काफी ज्यादा इस समय यहां पर मैं बोलना चाहूंगा चरम सीमा पर देखने को मिलेगा। टीम बॉस ऑफिशियल यहां पर जो वो भी आगे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से हुजाई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स ने खेला है वो काफी ज्यादा यहां पर शानदार देखने को मिला है। स्नेक हर मैच में ये प्लेयर मैप बदला है, पोजीशंस बदली है, लेकिन इस प्लेयर को यहां पर जो है फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ग्राइंड इतना ज्यादा शानदार है, और मतलब जो बुलेट्स है वो काफी ज्यादा कम वेस्ट करते हैं, बेहतरीन तरीके से यहां पर जो ट्रेड्स है वो निकालते नजर आते हैं। लेकिन ऑपरेक्स ई स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो बिल्कुल यहां पर जो डीपेन है वो ऑलरेडी ट्रेड्स निकालना स्टार्ट कर चुके हैं, एंड एक एलिमिनेशन, पहला एलिमिनेशन यहाँ पर जो है टीम की ओपनिंग तो देखिए यहाँ पर कर चुके हैं, लेकिन क्षेत्री एंड जेंगी स्टिल इनकी एक रणनीति रहती है कि इन द एंड गेम्स तक अपने आप को जो है बिल्कुल बचाकर होल्ड कर कर यहाँ पर जो है खेला जाए, और काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो स्टेज का जो एडवांटेज है वो उठाया जाए। लेकिन जेंगी यहाँ पर स्टिल यूरो बिल्कुल वेट करते हुए नजर आ जाएंगे, क्षेत्री एंड जेंगी यहाँ पर स्टिल यहाँ पर देखिए वेट करेंगे, और आराम से यहाँ पर जो है ड्रॉप के अराउंड यहाँ पर देखने को मिल जाने वाले। देखिए रिकॉल इनको किसी को करना नहीं है क्योंकि प्लेयर अभी तक इनका एलिमिनेट हुआ नहीं है, और पिछले मैच में भी इन द एंड गेम्स तक जो है अपने चारों प्लेयर्स को यहां पर जो देखिए बचाकर जो है वो ले गए थे। लेकिन अगर बात करते हैं टीम यू डॉग इंडिया की तो जी हां बिल्कुल चारों प्लेयर्स अभी भी यहां पर जो जीवित है वो रहेंगे, लोपेज, जैक, वैम्पी एंड DR लव। और इस समय अगर बात करें यहाँ पर 41 प्लेयर्स स्टिल हमारे बीच जो है हमको यहाँ पर जो है अलाइव देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पर जो चुनौती है वो बिल्कुल भी जो आसान है वो रहने वाली नहीं है। जस निशी मैवरिक एंड जो स्नेक है ना वो बिल्कुल वेट करते नजर आएंगे, लेकिन जस XG एक बार फिर से फिनिशेस पे जो फिनिशेस है वो सिक्योर करते नजर जरूर आ जाने वाले। टीम बात करते हैं साइकी स्पोर्ट्स की, दिक्कतें यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ती हुई कहीं ना कहीं यू नो जो नजर है वो आ रही है, एंड साथ ही साथ अगर बात करते हैं टीम नंबर 6 जो कि हमारे बीच टीम पार के प्लेयर्स हैं, उन्होंने भी एक अच्छा जोन ऑलरेडी यहाँ पर जो एक्वायर है कर लिया, लेकिन जस्ट XG पहला फिनिश यहाँ पर निकालते नजर आएंगे। और हुजाई ई स्पोर्ट्स एक बार फिर से आगे की तरफ जाकर देखिए यहाँ पर जो भाई ट्रेड्स है वो निकालती नजर आ जाने वाली। स्नेक ने एक बार फिर से वैम्पी को कर दिया है टेक डाउन, और बिल्कुल पेंटा किल देखिए अपने नाम ये प्लेयर कर चुका है, टोटल 5 के लिए प्लेयर्स के नाम ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन निशी जैसे जैसे करके फटाफट से इस बॉल को हटाना चाहते हैं क्योंकि अपने प्लेयर को बैक करना, और मैवरिक को एक ईजी रिवाइवल यहाँ पर जो है देखिए मिल जाएगा, क्योंकि रिकॉल तो चलिए आप कर देते हो लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जब आप रिकॉल की परिस्थिति में ही नहीं पहुंच पाते, उससे पहले ही कोई ना कोई टीम आपके ऊपर जो अटैक कर देती है जिसके चलते जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाती है। बट यू डॉग इंडिया DR लव स्टिल यहाँ पर जो है सर्वाइवल करते हुए नजर आएंगे। टीम बॉस की अगर बात करें डाउनफॉल नहीं, अब यहाँ से जो है ना बिल्कुल अपने आपको अपडेट करते रहना होगा। इस मैच में 4 फिनिशेस, 4 एलिमिनेशन ऑलरेडी अपने नाम जो है कर चुके हैं, कुछ बेहतर तरीके से यहाँ पर यू नो जो फाइट्स हैं वो निकालते नजर आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा करीब यहाँ पर जो मैं बोलना चाहूंगा टीम
पार्क यहाँ पर जो एक टीम अभी के लिए फिलहाल हमको जो है विटनेस करने का मिल रही है, क्योंकि कुछ शॉट जो है ना वो लिए जा रहे हैं और सुपरमैन इस समय यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से टेक डाउन एंड दीपू बॉट 07 फटाफट से रिवाइवल की प्रक्रिया जो है शुरुआत करनी पड़ेगी। बट देखने वाली बात यह रहेगी कि कौन सी वो टीम है जो कि टीम पार्क के बहुत ज्यादा करीब इस समय हमको जो है विटनेस करने को मिल रही है। वो तो फिलहाल जब एक नॉक निकलेगा तभी यहाँ पर देखिए जो है पता लगेगा, लेकिन साइको एक्स यहाँ पर स्टिल फिगर आउट करना चाहते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है होल्ड करा जाए। बट फाइनली यहाँ पर 30-30 के दो प्लेयर्स को यहाँ पर जो डैमेज दिया जाएगा, लेकिन एक बार फिर से 100 का डैमेज देकर जो बुलेट है वो कनेक्ट करी जाएगी और K98 स्वैगर चलिए इस समय यहाँ पर जो स्पॉट आउट करे जाएंगे। एंड वेल यहाँ पर जो टेक डाउन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर जो है कर दिए जाने वाले हैं, बट K98 सागर यहाँ पर जो है बिल्कुल होल्ड करते नजर जरूर आ जाने वाले हैं। स्वैगर का तो कंफर्मेशन यहाँ पर आ चुका है, सागर होल्ड कर रहे हैं टीम डू और डाई को सचमुच में एक साथ यहाँ पर जो है तो करना होगा, या तो फिर अलग अलग करके अगर जाते रहेंगे तो इनके अपोनेंट के लिए वो चुनौती जो है ना वो बहुत आसान रहने वाली है, क्योंकि हमने देखा है टीम पावर जैसे टीम्स को यहाँ पर जो इतनी आसानी से यहाँ पर देखिए जो हार है वो मानते नहीं है, काफी ज्यादा शानदार तरीके से ऑलरेडी यहाँ पर जो फाइट्स वगैरह है वो निकालते हुए जरूर नजर आते हैं। लेकिन यू डॉग की तरफ से अगर देखें तो एक एलिमिनेशन फाइनली चलिए अपने नाम जो है सिक्योर करा है, बट जोन इस समय ब्राजीलिया के रीजन्स की तरफ यहाँ पर जो देखिए हमको देखने को मिल जाएगा एंड एयर ड्रॉप भी यहाँ पर जो है काफी ज्यादा देखने को मिला है। लेकिन प्लेयर्स फटाफट से अपनी लूट्स वगैरह कंप्लीट करेंगे, उस एयर ड्रॉप से अपने अपने डिफेंस को यहाँ पर जो है पूरी तरीके से देखिए जो मजबूत है वो करते हुए आ सकते हैं। लेकिन डाउनफॉल स्टिल यहां पर जो है टीम बॉस के जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल वेट करते नजर आएंगे, ऑफिशियल यहां पर जो देखिए शॉट्स लेते नजर आएंगे, एनी के द्वारा भी यहां पर जो शॉट्स है वो लिए जा रहे हैं। बट कनेक्शंस इस समय दोनों ही प्लेयर्स एक दूसरे के ऊपर कुछ खास जो है ढूंढ पाएंगे नहीं, थोड़ी सी यहां पर जो मशक्कत है वो और करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ टीम ऑपरेक्स ईस्पोर्ट्स एक बार फिर से इस मैच को अपने हिसाब से यहां पर जो ऑपरेट है वो करती नजर आ रही है। और एनी की अगर बात करें तो डाउनफॉल यहां पर जो है बिल्कुल स्पॉट आउट करेंगे, थोड़ा सा एक ऑफ गार्ड एंगल क्रिएट करके ऐसे में यू नो जो सप्रेस है वो करना चाहते हैं, लेकिन 33 प्लेयर अभी भी जो हमारे बीच जो जीवित है वो रहने वाले हैं। और बिल्कुल इस टीम के पास हमको एक प्रॉपर यहाँ पर जो है जोन यहाँ पर विटनेस करने को मिल रहा है। टीम बॉस की बात अगर करी जाए तो एक प्रॉपर सेंट्रल कंपाउंड विटनेस करने को मिल रहा है। तो देखिए काफी ज्यादा जो रशियन है वो आएंगे, लेकिन आप किस तरीके से डील आउट करते हो इन रशियन के साथ ये बहुत ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन कुछ ग्रेनेड्स भी करे जा रहे हैं, कुछ डैमेज भी दिया जा रहा है एनी के द्वारा। फाइनली टीम ऑपरेक्स ईस्पोर्ट्स के यहाँ पर क्षेत्री को ना पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाएगा और इनके जो बचे हुए प्लेयर्स है टीम बॉस ऑफिशियल से वो भी काफी ज्यादा करीब, और ये फाइट ना अब काफी ज्यादा यहां पर शानदार रहने वाली है, क्योंकि दोनों ही टीम्स को मालूम चल चुका है सामने कौन सी टीम है। और जेंगे ने भी एक कंफर्मेशन यहां पर जो है थोड़ा सा आउटर रीजन में यहाँ पर निकाल लिया जोन के अंदर से, यहाँ पर बिल्कुल भी गेट कीप करते हुए नजर आ रहे हैं। मल्टीपल नंबर ऑफ फाइट्स यहाँ पर जो है इनिशिएट देखने को मिल जाने वाली है इस समय, यहाँ पर जो फाइट्स होती नजर आएंगी। लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर जो CFF की तरफ से जो एनी है वो बिल्कुल इस समय टेक डाउन जो कि टीम बॉस ऑफिशियल की तरफ से यहाँ पर यू नो जो है खेलती हुई नजर आ रही है। टीम बॉस ऑफिशियल की बात करें इसके लिए जो टीम है बिल्कुल एक प्रॉपर पोजीशनिंग्स में, टीम पार की बात करी जाए थोड़ा सा ओपन ऑफ द मैप्स में एक हार्ड ईस्टर्न रोटेशन यहाँ पर जो है देनी और जो उस कंपाउंड के अंदर ही ना ऑलरेडी यहाँ पर ये जो जोन है वो बनते हुए नजर आ जाने वाले हैं। बट आई लियो ऑलरेडी यहाँ पर टेक डाउन एंड डी के ऊपर भी जो शॉट्स हैं वो लिए जा रहे हैं, बच पाना टीम पार के अगेंस्ट इतना ज़्यादा आसान रहने वाली है नहीं ये चुनौती। बट क्रिशु इजली यहाँ पर जो है बिल्कुल वेट वगैरह यहाँ पर करते नजर आएंगे और M10 ने जेनमन को यहाँ पर जो देखिए कर दिया है टेक डाउन एंड बिल्कुल रिवाइवल की प्रक्रिया अब जो है शुरुआत करनी पड़ेगी। M10 एक बार फिर से यहाँ पर जो टेक डाउन निकालने के बाद आउटसाइड ऑफ द जोन यहाँ पर जो है बिल्कुल रशियन तो आप जरूर कर रहे हैं, लेकिन मात्र 4 सेकंड बचे हैं, आपको इस बारे में भी जो ध्यान है वो होना चाहिए पूर्ण रूप से, क्योंकि कुछ ज्यादा समय यहाँ पर बचा नहीं है। और चलिए साइको यहाँ पर जो कुछ कमाल के जो आप ट्रेड्स है वो जरूर निकालते नजर आएंगे, लेकिन सुपरमैन ने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया टीम NG के प्लेयर्स को, टीम नॉन स्टॉप गेमिंग को, और लेकिन देखते ही देखते टेक डाउन कर दिए जाएंगे मीनवाइल और प्रॉब्लम्स यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन टीम बॉस ऑफिशियल की अगर बात करें तो वो अभी भी यहाँ पर जो रुक कर खेलते नजर आएंगे। अलॉन्ग साइड अगर बात करी जाएगी तो पूरी तरीके से सुपरमैन यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएंगे, बट देखते ही देखते CRX की तरफ से जो एस्ट्रा है वो भी टेक डाउन, बट टीम हुज़ाई स्पोर्ट्स स्टिल यहाँ पर फेवर लेती हुई नजर आ जाएगी। आराम से यहाँ पर जो सर्वाइवल जारी रखा जाएगा। टीम पार की अगर बात करें तो स्टिल यहाँ पर एक अच्छे कंपाउंड्स को इन्होंने आकर जो है ना वेट कर लिया है, बट दीपू यहाँ पर जो है बिल्कुल ट्रेड्स निकालते हुए अभी भी फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो क्या ये बुया टीम पावर के नाम जा सकता है? लेकिन देखिए इतना आसान तो अभी भी नहीं रहने वाला, क्योंकि ज्यूस
आप भी जानते हैं इस समय, वेल पूरी सभी की सभी टीम्स जानती हैं कि जो चुनौती है वो आसान नहीं है, चैलेंज यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। आउटसाइड ऑफ जोन यहाँ पर जो डीआर लव को भी जो है एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और टीम टीएसजी की तरफ से देखें तो टीम टीएसजी लेजेंड की तरफ से भी स्टिल चारों प्लेयर सभी के लिए जीवित। ड्रैकुला टेक डाउन जरूर है और वही टेक डाउन करते नजर आ रहे हैं टीम पावर के प्लेयर्स, बट टीम टीएसजी को मालूम है कि किस तरीके से इन फाइट्स को विन करना है, अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर जो है कार पर जो है लगाना होगा। लेजेंड की बात करते हैं तो स्नेक पूरी तरीके से टेक डाउन यहां पर चेक करते हुए नजर आएंगे लेजेंड यहां पर स्नेक को, एंड टीम टीएसजी लेजेंड यहां पर। टीम टीएसजी लेजेंड्स की अगर प्लेयर्स की बात करी जाए तो बिल्कुल अभी भी वेट करें, बट यहां पर जो है शॉट्स लिए जाएंगे यहां पर ट्रिपल एक्स के द्वारा, बट एज ऑफ नाउ लेजेंड एक्स यहां पर जो है बिल्कुल टीम लेजेंड टीम टीएसजी लेजेंड यहां पर स्टिल वेट करी एक बेहतर पोजिशनिंग्स में। लेकिन ऊपर की तरफ यहां पर तैनात टीम पार के प्लेयर्स वो भी यहां पर जो है कुछ कम नहीं है। यहां पर देखिए चैलेंज पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए यहां पर जो प्रिपेयर वो दिखाई दे रहे। टीम हुसैन स्पोर्ट्स की बात करें तो वो भी इसी दिशा में यहां पर जो है ना देखिए रुक कर जो है खेलते हुए जरूर नजर आ जाएंगे। हर एक घर में एक नई टीम यहां पर जो है ऑक्यूपाई करती हुई नजर आ जाने वाली इस लैंड के रीजंस को, बट फाइनली यहां पर जो ओपन ऑफ द मैप्स में स्पॉट आउट करा जाएगा। बट वॉल का यहां पर काफी ज्यादा शानदार तरीके से यहां पर जो इस्तेमाल है करा जा रहा है, लेकिन बुलेट उसके बावजूद अपने ऊपर लेते नजर आएंगे। बट जस्ट एसडी की बात करते हैं तो बिल्कुल टीम ऑपरेक्स स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को टेक डाउन करके वेल पूरी तरीके से स्मार्ट से एलिमिनेट यहां पर जो है कर दिया है। ओपन ऑफ द मैप में ऑपरेक्स स्पोर्ट्स के प्लेयर्स पकड़ेगा और छठे पायदान के साथ यहां पर मैं बोला चाहूंगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग पांचवें पायदान के साथ यहां पर देखिए जो संतुष्ट है वो रहना पड़ेगा। बट टीम पार के पास अभी भी यहाँ पर जो हमको जोन जो है विटनेस करने को मिल रहा है। सुपरमैन हायर ग्राउंड यहाँ पर जो है बिल्कुल देखिए वेट करके यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी यहाँ पर जो गलतियां नहीं करना चाहते। लेकिन टीम टीएसजी लेजेंड के पास भी उतना ही बेहतरीन जोन अभी के लिए फिलहाल हमको जो है देखिए विटनेस करने को मिलेगा। अंतिम 13 प्लेयर एक टीम में, मतलब 13 प्लेयर यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएंगे। लेकिन टीम टीएसजी के पास अगर टोटल ट्रेड्स की बात करें तो 4 ही एलिमिनेशन है इस समय, और बिल्कुल शॉट्स लेकर एक और प्लेयर के ऊपर जो कंफर्मेशन निकालना चाहते हैं। और जी हाँ बिल्कुल टेक डाउन करा जाएगा स्नेक को। टीम हुसैन स्पोर्ट्स एक बार फिर से बैकफुट में यहाँ पर ढकेली जा रही है, कवर वगैरह क्रिएट करके धीमे धीमे करके आगे बढ़ने का प्रयास रहेगा। और स्नेक का कंफर्मेशन ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन सुपरमैन के द्वारा टीम पावर एक बार फिर से अपना जो पावर है वो दिखाती नजर आएगी। और किसी भी क्षण ऐसे में यहाँ पर मेन जो बुइया है ये टीम अपने नाम अभी के यहां पर देखिए ऑलरेडी यहां पर सिक्योर कर सकती है, और जी हां कर नहीं सकती है, इन्होंने कर लिया है। और टीम पार ने करके दिखाया है कि अगर आपके अंदर वो जज्बा हो, लड़ने का वो जुनून हो, तो आप किसी भी गेम को अपने नाम कर सकते हो। एक बेहतरीन आइजलिंग, एक अच्छे जोन, एक अच्छे कंपाउंड की तरफ बहुत पहले रीच आउट कर गए थे और शानदार तरीके से डिफेंड करा। प्लानिंग तो देखिए सब करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट आप किस तरीके से करते हो ये बहुत ज्यादा जो क्रूशियल है वो रहता है। और इस मैच में 6-4, 10-7, 17 और 1-18 एलिमिनेशन यहां पर जो है इन्होंने अपने नाम करे हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बट चलिए गाइस लेते हैं फिलहाल अभी के लिए यहां पर एक छोटा सा ब्रेक के उस पार मिलेंगे आज के दिन के वेल तीसरे मैच के लाइव एक्शन के साथ। और गाइस अगर आपने अभी तक जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाइए गाइस प्लीज फटाफट से जाइए कर दीजिए यार।
सोवेल देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर बात करी जाए ब्रेक पॉइंट 0.0 फेज 2 क्वालिफायर्स प्रेजेंटेड बाय लेविटेड ईस्पोर्ट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर बात करते हैं आज के दिन के वेल अपने तीसरे मैच की तरफ, अभी के लिए गाइस अगर रुक करा जाए तो कलहारी का ये जो मैच है, ये जो मैप है, हमको ऑलरेडी विटनेस करने को मिलेगा द सब के रीजन्स की तरफ से। अभी के लिए पर जो शुरुआत लेता नजर आएगा एंड देन श्रिंस के रीजन्स की तरफ जाकर फाइनली ये फ्लाइंग पाथ जो है समाप्त होता नजर आ जाने वाला है। लेकिन देखेंगे टीम ऑपरेक्स ईस्पोर्ट्स के प्लेयर जो है किस तरीके से इस मैच में यहाँ पर जो है खेलते नजर आएंगे, क्योंकि पहला मैच काफी ज्यादा शानदार था लेकिन एक बार फिर से जो शुरुआत है वो थोड़ी सी सही हुई नहीं और उतरते क्षण ही टीम HE के प्लेयर्स के साथ, टीम मुजई ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स के साथ यहाँ पर जो फाइट्स हैं वो लेनी पड़ी है। क्षेत्री चाहते हैं फटाफट से अपने प्लेयर्स को यहाँ पर एक बार फिर से बैक करना, लेकिन जाएंगे एंड हाइंजो की अगर बात करें तो बिल्कुल वो आराम से अभी के लिए हमको जो तैनात है वो दिखाई दे रहे हैं। टीम नंबर 11 के अगर इन प्लेयर्स की बात करी जाए तो ऑपरेक्स ईस्पोर्ट्स बिल्कुल वेट करते नजर आएंगे। डीपन की अगर बात करी जाए वेल पूरी तरीके से यहाँ पर जो कमिटमेंट्स हैं वो भी करते हुए जरूर नजर आ जाने वाले। टीम ऑपरेक्स की बात करें तो बिल्कुल जो दिक्कतें हैं देखिए वो तो बढ़ती नजर आ रही है, बट टीम पार की अगर बात करी जाए तो एक बार फिर से सुपरमैन के कंधों पर पूरा का पूरा दारोमदार एंड सुपरमैन ऑलरेडी बहुत ज्यादा करीब जाते नजर आएंगे। प्लेयर्स ने पीछे से पहले यहाँ पर कॉल आउट तो जरूर दिया होगा कि प्लेयर आपके सामने वाला काफी ज्यादा लो है और यहाँ पर टीम नॉन स्टॉप गेमिंग तरफ से महेंद्र टेकडाउन बट धीरज के द्वारा उतना ही बेहतरीन यहाँ पर जो कवर फायर है हमको विटनेस करने को मिल जाने वाला है। लेकिन ज्यूज देखते देखते एलिमिनेशन और इस मैच में सबसे पहली ऐसी टीम यहाँ पर बनेगी टीम पार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी हाँ बिल्कुल, जो कि एलिमिनेशन की कागार पर आ भी गई और वेल एलिमिनेशन यहाँ पर उन्होंने जो फेज है वो भी कर लिया यहाँ पर अगर बात करते हैं। लेकिन अगर सामने से बात करी जाए तो पूरी तरीके से टीम SH ऑफिशियल के प्लेयर्स जो हैं वो भी वेट करते हुए देखिए यहाँ पर जरूर नजर आ जाने वाले। प्रणय आराम से यहाँ पर जो टिक कर जो है खेलते हुए जरूर ऐसे में यहाँ पर नजर आएंगे। महेंद्र की बात करें तो एक प्रॉपर पोजीशनिंग्स फिलहाल हमको जो है विटनेस करने को मिल रही है। निखिल गगन एंड जो प्रणय है वो भी वेट करते हुए नजर जरूर आ जाएंगे, बट गगन एज ऑफ नाउ एक अच्छी पोजीशनिंग सभी के लिए फिलहाल हमको जो है उनके पास होल्ड करने को यहाँ पर मिल जाएगी। गगन स्टिल यहाँ पर जो है बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर जो है टिक कर खेलते नजर आएंगे, बट कृषु के M10 लियो एंड डी एंड M10 यहाँ पर जो है बिल्कुल वेट करते जरूर नजर आ जाएंगे। लेकिन सम्राट यहां पर जो स्नेक को करते नजर आएंगे टेक डाउन। M10 की अगर बात करी जाए ऑपरेक्स ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स को टेक डाउन करना यहां पर चालू कर चुके हैं। वेल जाएंगी एक बार फिर से जैसे रिकॉल करेगा उसके बाद इंस्टेंटली यहां पर उनको एक बार फिर से कर दिया जाएगा टेक डाउन। शुरुआत देखिए इतनी ज्यादा बेहतरीन हुई है, जब आप बार बार टेक डाउन होते हो तो मनोबल आपका जो है कहीं ना कहीं यहां पर कम हो जाता है। लेकिन क्षेत्री की बात करी जाए तो एक बार को टेक डाउन करने के बाद कंफर्मेशन लेते नजर आएंगे। कृषु M10 को बताया है कि इतना आसान रहने वाला नहीं है हमको यहाँ पर एलिमिनेट करना, बट अगर बात करते हैं आठवें पायदान मतलब टीम नंबर 8 की हुजाई ईस्पोर्ट्स, ये मैच देखिए आपके लिए आसान नहीं रहने वाला है। हुजाई ईस्पोर्ट्स को इस बात को यहाँ पर देखिए जो समझना पड़ेगा, बट जोन हमको ऑलरेडी काफी ज्यादा सेंटर यहाँ पर जो देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल निशी के लिए यहाँ पर बात करी जाए आसान तो नहीं रहेगा, बट टीम बॉस ऑफिशियल एज ऑफ नाउ एक प्रॉपर पोजीशनिंग्स में हमको जो है विटनेस करने को मिल रहे हैं। फटाफट से अपनी जो लूट्स एंड ऑल है यहाँ पर जो है कंप्लीट करते हुए जरूर नजर आ जाने वाले हैं, बट SH की तरफ से यहाँ पर गगन स्टिल वो भी यहाँ पर जो वेट करते नजर आएंगे। लेकिन महेंद्र विशाल 07 एंड याही भी जो है ऑलरेडी यहाँ पर शॉट्स लेते नजर आएंगे, लेकिन महेंद्र के द्वारा यहाँ पर जो है पीछा ट्रेस करा जा रहा है, फिगर आउट करना चाहते हैं यहाँ पर कुछ और अच्छे फिनिशर्स, बट यही इस समय टेक डाउन महेंद्र को भी कर दिया जाएगा टेक डाउन। और पूरी तरीके से सडनली यहां पर एक टीम जो अपफ्रंट में आकर खेल रही थी वो वेल यहां पर जो है वेल पूरी तरीके से यहां पर जो है बैकफुट में ढकेली जा चुकी है और ये जो संदेश है ये बिल्कुल भी यहां पर सही नहीं है। पर टीम LR7 की बात करें ना तो सिमर ने सडनली
जो गेम है वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया है LR7 Esports के प्लेयर्स। वेल यहाँ पर दोनों प्लेयर्स वेट करते नजर आएंगे, बट OpenX Esports की अगर बात करें Hainzo इस समय वेल यहाँ पर देखिए टेक डाउन, डीपन भी जो है वो बिल्कुल रुक कर जो है देखिए खेलते हुए जरूर नजर आ जाने वाले हैं जाएंगे, एंड क्षेत्री भी यहाँ पर जो वेल यू नो टिक कर जो है खेलते जरूर नजर आएंगे। जो शॉट्स पे शॉट्स है वो लिए जा रहे हैं, जो कनेक्शन है बनाने की प्रक्रिया अभी भी यहाँ पर जारी रहेगी, बट कनेक्शन अभी के लिए फिलहाल कुछ खास मिलेंगे नहीं। जोन एक काफी ज्यादा सेंट्रल हमको जो है विटनेस करने को मिला है, टीम OpenX Esports एक बार फिर से ऑपरेट करना चाहते हैं इस मैच को, और क्षेत्री अगेन एंड अगेन जब जब टीम को दरकार रहती है 24 कैरेट खरा ये सोना, तब तक वैसे में यहां पर जो है कुछ अच्छी फाइट्स यहां पर जो है निकाल कर देते हैं, हर एक एक नॉक निकाल कर देते हैं जब जब बहुमूल्य रहता है वो नॉक। लेकिन अब देखिए नीचे की तरफ पहले जंप करी तो गेम सेंस यहां पर जो दिखाते नजर आए, पहले यहां पर उन्होंने अपने लिए कुछ अच्छे कवर बनाए क्योंकि जानते हैं ओपन मैच में जाएंगे हर एक प्लेयर के पास इतना कैलिबर है कि वो टेबल टर्न कर देगा, बट M10 को एक बार फिर से करा जाएगा टेक डाउन, और टीम पागल M10 के जो प्लेयर्स हैं वो इस समय पूरी तरीके से एक एलिमिनेशन का यहाँ पर जो शिकार है वो होते हुए यहाँ पर जरूर नजर आ जाएंगे। बट विशाल 07 जालिम 22 और गाइस 7 दिन का ये फेज 2 रहने वाला है क्वालिफायर्स, और अगर आप गाइस पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्ट्रीम पर तो प्लीज गाइस मेक श्योर टू हिट लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जो है बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बट गॉडज़िला ज़ेनिमा एंड सम्राट यहाँ पर यू नो वेल यहाँ पर जो है होल्ड करते नजर आएंगे। अगर बात करते हैं स्काउट अडीब एंड अवन की तो बिल्कुल यहाँ पर जो वो भी टिक कर जो है डट कर जो है मैं बोलना चाहूंगा जो सामना है वो करते हुए नजर आ जाएंगे, बट LR7 Esports के प्लेयर्स एक एक करते करते फिनिशेस पे फिनिशेस यहाँ पर सिक्योर कर रहे हैं। सिमर ने एक अच्छी शुरुआत दी और उसके बाद अभी भी वो जो मोमेंटम है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो रन है वो होता नजर आ रहा है, आगे की तरफ यहाँ पर जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए अगर बात करते हैं लेट्स सी यहाँ पर जो फाइट्स है वो उनको किस तरीके से यहाँ पर विटनेस करने को मिलेगी, किस तरीके से ऐसे में यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं वो आराम से यहाँ पर यू नो जो होल्ड है वो करते हुए जरूर नजर आएंगे। लेकिन देवी और सज्जनों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जो है वेल मैं बोलना चाहूंगा बिल्कुल भी यहाँ पर जो है मत भूलिएगा। कुछ मल्टीपल नंबर ऑफ फाइट्स ऑलरेडी हमको जो है इन शुरुआती क्षणों में देखने को मिली, लेकिन टीम OpenX इस समय यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से ऑपरेट करती नजर आई। टीम यूडॉक की अगर बात करी जाए वेल वो अभी भी यहाँ पर देखिए होल्ड करते नजर आ जाएंगे, लेकिन अगर बात करते हैं देखिए इस समय यहाँ पर वेल टीम साई की स्पोर्ट्स के प्लेयर्स की तो गॉडज़िला यहाँ पर ऑलरेडी फाइट्स निकालते हुए नजर आएंगे, लेकिन टीम यूडॉक भी ऐसा प्रतीत हो रहा है एक नई फाइट के अंदर यहाँ पर जो इनिशिएट है वो जरूर करते हुए नजर आएंगे। DR लव बहुत ज्यादा करीब जा चुके हैं टीम K98 के प्लेयर्स, ऐसा प्रतीत हो रहा है हो सकते हैं क्योंकि कई बार जो है ये फाइट्स देखने को मिलती हैं, और लेकिन जी नहीं सिमर आज रुकने का नाम जो है नहीं ले रहे हैं, और टीम LR7 इस मैच में एक अलग इंटेंट के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से जो जोन का श्रिंक है वो आना होगा चालू मात्र 1 मिनट 15 सेकंड के अंदर, बट ऐसे में आप जो शॉट्स है वो ऑलरेडी लिए जाएंगे, जो डैमेज है वो सिमर ने एक बार फिर से दे दिया, और पेंटा किल ऑलरेडी अपने नाम जो है देखिए सिक्योर कर चुके हैं। अधीरज एंड स्नैपी भी जो है नवेल बिल्कुल होल्ड करते हुए जरूर आ जाने वाले रहेंगे। स्नैपी की अगर बात करी जाए बेहतरीन पोजिशनिंग अभी के लिए फिलहाल हमको जो विटनेस करने को मिल जाने वाली है, एक अच्छी शुरुआत अभी के लिए फिलहाल देखने को मिलेगी, बट अधीरज अगेन एंड अगेन फिनिशेस पे जो फिनिशेस है वो निकालते नजर आएंगे। ऋषभ एंड सिमर भी जो है ना वो बिल्कुल रुक कर जो है खेलते नजर आ रहे हैं, बट OpenX डीपन Hainzo जाएंगे एंड जो क्षेत्री है वेल वो भी आराम से यहाँ पर जो है बिल्कुल देखिए टिक कर जो है खेलते नजर आ जाने वाले हैं। बट एज ऑफ नाउ ये चारों प्लेयर्स एक बेहतर पोजिशनिंग अभी के लिए फिलहाल हमको जो है विटनेस करने को मिल जाएगी, बट स्नैपी बिल्कुल होल्ड करते जरूर नजर आ जाएंगे, बट स्नैपी के ऊपर यहाँ पर जो शॉट्स है वो भी लिए जा रहे हैं, जो कनेक्शंस हैं वो कुछ इतने ज्यादा जो खास हैं वो देखने को मिलेंगे नहीं, और टीम LR7 यहाँ पर जो है बिल्कुल देखिए वेट करते नजर आएंगे, एक बेहतर पोजिशनिंग देखने को मिल जाएगी। स्वेगर एंड सागर भी जो है टिक कर खेलते नजर आएंगे, बट हुसैन स्पोर्ट्स के प्लेयर्स एक अच्छी पोजिशनिंग यहाँ पर फिलहाल देखने को मिलने वाली है, बट साथ ही साथ टीम बॉस ऑफिशियल की बात करें तो वो भी आराम से रोटेशन एंड ऑल यहाँ पर जो है करते जरूर नजर आएंगे, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स रहने वाली है नहीं। जालिम एंड विशाल यहाँ पर जो है बिल्कुल होल्ड करते हुए नजर आ जाने वाले हैं, लेकिन ये जो फाइट्स हैं वो अभी के लिए फिलहाल यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है, जो डैमेज है वो यहाँ पर जो है दिया जा सकता है, लेकिन विशाल एंड जालिम यहाँ पर जो है बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहेंगे, जो डैमेज है वो काफी ज्यादा यहाँ पर जो है विटनेस करने को मिलेगा, बट जालिम एज ऑफ नाउ बिल्कुल यहाँ पर हेडशॉट्स पे हेडशॉट्स जो कनेक्ट्स हैं वो करते नजर आ सकते हैं, जो डैमेज है वो काफी ज्यादा हाई है,
लेकिन अब जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि चलती व्हीकल यहाँ पर जो बस डाउन कर दी गई है और जालिम नहीं चाहते कि सामने वाली जो अपोनेंट टीम है ऑलरेडी जो डाउन द ग्राउंड हमको जो विटनेस करने को मिल रही है वो फिगर आउट कर पाए इन पोजिशनिंग को, लेकिन इनको जोन के अंदर बढ़ना होगा तो बिल्कुल टेक डाउन देना है और इस समय यहाँ पर जो है टेक डाउन करते हुए यहाँ पर नजर आ जाने वाले हैं जालिम 22 और K98 सागर टेक डाउन है। इसका मतलब कंप्लीटली स्वैगर के ऊपर पूरा का पूरा दारोमदार और टीम डू और डाय। इस मैच में तो ऑलरेडी हमको जो है तीन प्लेयर्स के साथ दिखाई दिए थे, एक प्लेयर ऑलरेडी आउट नंबर था, अब एकमात्र इकलौता प्लेयर बचा है और लेट्स सी कितनी ज्यादा देर तक यहाँ पर सर्वाइवल करा कर रख पाते हैं टीम बॉस ऑफिशियल। इससे यहाँ पर जो वेट करें टीम पावर सबसे पहली टीम बनी थी, देखिए इसीलिए बोलते हैं अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी और किसी भी क्षण ऐसे में यहाँ पर जो है हमको होते हुए यहाँ पर जो है नजर आ सकता है। जालिम एंड विशाल यहाँ पर जो है बिल्कुल वेट करते नजर आएंगे, लेकिन विशाल के द्वारा जो शॉट्स हैं वो लिए जा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं जालिम के बहुत ज्यादा विशाल के वाले यहाँ पर बहुत ज्यादा करीब अभी के लिए हमको एक प्लेयर दिखाई दे रहा है, लेकिन हवा में ही टेक डाउन करने की जो प्रक्रिया है वो यहां पर जारी रहने वाली है। बट अमन 16 की अगर बात करी जाए तो टीम TSG लेजेंड की तरफ से अभी भी ये प्लेयर अभी के लिए यहां पर तैनात रहेगा, बट साइकी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स वेल यहां पर बिल्कुल वेट करते नजर आ रहे हैं, एक बेहतरीन पोजीशनिंग सभी के लिए फिलहाल हमको जो है देखिए विटनेस करने को यहां पर मिल रही है। बिल्कुल ऐसी के सम्राट जैनाब गॉडजिला एंड क्रेजी जाट यहाँ पर यू नो बिल्कुल रुक कर जो है खेलते जरूर नजर आएंगे। गॉडजिला की बात करी जाए लो ऑन हीलिंग्स हैं, जैनाब यहाँ पर 18 बिल्कुल वेट करते जरूर नजर आएंगे, बट क्रेजी जाट की अगर बात करी जाए एक बेहतर पोजीशनिंग सभी के लिए फिलहाल हमको दिखाई दे रही है। अमन यहाँ पर जो है बिल्कुल वेल होल्ड करते नजर आएंगे, बट जालिम की अगर बात करते हैं तो सिमर को पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए जो कन्फर्म है कर दिया जाएगा एंड टीम नॉन स्टॉप गेमिंग एक बार फिर से वंस अगेन यहाँ पर जो बैलेंस अपने आप को करती नजर आ रही थी, बट पीछे से AS45 ने आकर जो थोड़ी सी यहाँ पर जो परेशानियां बढ़ाई और टीम बॉस ऑफिशियल ने यहाँ पर ठान तो लिया ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है कि इतनी आसानी से यहाँ पर जो आपको आगे नहीं जो है बढ़ने दिया जाएगा। और टीम निशी यहाँ पर जो टीम हुजई स्पोर्ट्स के साथ ऑलरेडी यहाँ पर जो फाइट है वो चालू होती नजर आ रही है, बट बॉस के जो डाउनफॉल है वो अंदर की तरफ जाएंगे, बट AJ गॉड एक बार फिर से करेंगे स्नेक को टेक डाउन एंड वेल जस्ट एक्जी को भी कर दिया जाएगा टेक डाउन। तो टीम हुजई के प्लेयर्स देखते ही देखते कंप्लीट इस समय आउट नंबर्ड है, निशी खड़े ही हैं मैवरिक के साथ रिकॉल वाले टावर पर और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रिकॉल इनको मालूम था कि पहले ही करना पड़ेगा, इस वजह से यहां पर देखिए निकल गए थे क्योंकि उनके ऊपर स्लैमिंग आ रहा था और 2v4 देखिए फाइट्स विन करना ना इतना आसान रहता नहीं है क्योंकि हर एक प्लेयर के अंदर कैलिबर है कि वो किसी भी क्षण यू नो जो टेबल है वो टर्न कर दे, बट SE की तरफ से सम्राट यहाँ पर जो है बिल्कुल रुक कर खेलते नजर आएंगे। यही की अगर बात करी जाए वो बिल्कुल तैनात देखने को मिल जाने वाले, बट टीम TSG लेजेंड यहाँ पर स्टिल फिगर आउट करना चाहते हैं क्योंकि स्काउट को खो चुके हैं, बचे हुए तीन प्लेयर्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। टीम शाइक की अगर बात करी जाए एक अच्छी पोजिशनिंग फिलहाल हमको जो है विटनेस करने को मिल रही है। बिल्कुल देखिए अगर बात करते हैं कुछ बेहतरीन फाइट्स ऑलरेडी हमको विटनेस करने को मिलेंगी, लेकिन ऋषभ यहाँ पर जो है टीम LR स्पोर्ट्स की तरफ से यहाँ पर जो वो भी टेकडाउन निकालते नजर आएंगे, बट गॉडजिला के द्वारा यहाँ पर जो शॉट्स हैं वो लिए जा रहे हैं। सम्राट यहाँ पर जो है बिल्कुल इनके बहुत ज्यादा करीब में यहाँ पर जो नहीं है, बट क्रेजी जाट स्टिल यहाँ पर जो है फाइट्स वगैरह यहाँ पर इनिशिएट करना चाहते हैं, लेकिन देखिए वॉच टावर के अंदर यहाँ पर स्पॉट आउट करके रखा हुआ है, लेकिन TE के अधीरज को कर दिया जाएगा टेकडाउन। बट एक बार फिर से टीम उजई स्पोर्ट्स जैसे जैसे करके अपने प्लेयर्स को बैक करती नजर आएगी, रिकॉल करती नजर आएगी, लेकिन फाइनली पैन लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ये प्लेयर गॉडजिला वॉच टावर के ऊपर ऑल इन अटैक के साथ देखने को मिल जाएंगे। बट देखते हैं इन कवर्स के अंदर आप कितनी ज्यादा देर तक यू नो जो जीवित है अपने आप को रख पाते हो, और ऑपेक्स स्पोर्ट्स के प्लेयर्स यहां पर ऑलरेडी फाइट्स करते हुए नजर आएंगे, बट गॉडजिला सोच समझ कर देखिए यहां पर खेलने की दरकार है, अगर एक गलत मूव भी हुआ ना तो आपकी टीम अभी के लिए दिक्कतों में पाएगी और बिल्कुल कुछ वैसा ही फिलहाल देखने को मिलेगा क्योंकि जैनाम 18 आप चढ़े तो बहुत ज्यादा ऊपर यहाँ पर जो तेजी से थे, लेकिन इस समय प्रॉब्लम्स बढ़ती नजर आ रही हैं, बट क्रेजी जाट के द्वारा कंफर्मेशन सिक्योर यहाँ पर चलिए फाइनली करी जा रही है, एक सही संकेत अभी के लिए फिलहाल बोला जाए इस टीम के लिए। और साइक यहाँ पर कुछ बेहतरीन तरीके से मीनवेल जो फाइट्स है वो निकालते नजर आएंगे, बट गॉडजिला एंड क्रेजी जाट बिल्कुल ठीक है रहेंगे। TSG के जो अदीब है वेल वो भी आराम से यहाँ पर देखिए वेट करते नजर आएंगे, बट NG के जो महेंद्र है विशाल 07 और जो जालिम है वो भी यहाँ पर जो है बिल्कुल टिक कर जो है देखिए खेलते जरूर नजर आएंगे, बट RSG के AJ गॉड डाउनफॉल एनी एंड AS45 यहाँ पर स्टिल यू नो जो शॉट्स पे शॉट्स है वो लेना यहाँ पर जरूर चाहते हैं, बट टीम बॉस ऑफिशियल इस समय आगे की तरफ देखिए बढ़ती नजर आएगी। डाउनफॉल की बात करी जाए एक अच्छी पोजिशनिंग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, स्पॉट आउट करना चाहते हैं पहले अपने अगल बगल की जगह को ना पूरी तरीके से परख
थक चुके हैं, लेकिन स्नेक अगर यहाँ पर बात करें तो एक बार फिर से टेक डाउन निकाल कर AS45 को टेक डाउन करेंगे। इसका मतलब ये कि इन्होंने अपनी पोजिशनिंग कॉम्प्रोमाइज कर दी है, एक बार वापस से बता दिया शॉर्ट्स देकर कि हम इस जगह पर जो है उपस्थित रहेंगे। आप गलत दिशा में यहाँ पर देख रहे हैं, 16 प्लेयर 4 टीमें हमारे बीच अभी भी यहाँ पर यू नो पूरी तरीके से यहाँ पर होल्ड करते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन देवी और सज्जनों, चैनल पर अगर यार आप लोग यार पहली बार जुड़ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जो मैं बोलना चाहूंगा बिल्कुल भी यहाँ पर मत भूलिएगा लेविटेड स्पोर्ट्स को। बट खैर यहाँ पर जो टीम बॉस ऑफिशियल की तरफ से शॉट्स लिए जा रहे हैं एनी के द्वारा यहाँ पर, बट कनेक्शंस फिलहाल अभी के लिए कुछ खास जो है देखने को मिलेंगे नहीं। और बिल्कुल अभी के यहाँ पर जो होल्डिंग पोजिशनिंग्स है वो यहाँ पर जारी रहेंगी, बट लेट्स सी ये फाइट्स हमारे बीच यहाँ पर जो किस तरीके से चलती हैं। टीम नॉन स्टॉप गेमिंग की बात करी जाए तो जालिम, विशाल एंड महेंद्र यहाँ पर स्टिल यू नो वेट करते जरूर नजर आ जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ टीम सिक स्पोर्ट्स की अगर बात करेंगे, टीम साइक स्पोर्ट्स के प्लेयर्स की बात करते हैं तो टोटल एलिमिनेशन अगर देखे जाए तो 10 एलिमिनेशन ये टीम ऑलरेडी देखिए यहां पर सिक्योर कर चुकी है। और चुनौती आसान नहीं है यहां पर जो है किसी भी प्लेयर के लिए, बट सम्राट धीमे धीमे करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि जानते हैं जोन के अगर अंदर प्रवेश करना है तो कुछ प्लेयर्स को यहाँ पर गेटकीपर ही जो एलिमिनेट है वो करना पड़ेगा, अन्यथा ऐसे में यहाँ पर दिक्कतें बढ़ेंगी। बट कुछ अच्छे कवर्स का इस्तेमाल करा जा रहा है, गॉडज़िला क्रेजी जार्ड एक बार फिर से ऐसा फ्रंट लाइन असॉल्टर, लेकिन निशि टेक डाउन करते हुए नजर आ जाने वाली है। टीम हुज़ाई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स ऑलरेडी फाइट्स के अंदर इससे पता लगता है कमिट करते नजर आएंगे, बट स्नेक को कर दिया जाएगा टेक डाउन एंड निशि एकमात्र इकलौते प्लेयर इस समय यहाँ पर जीवित रहने वाले, बट क्राउच करके जो शॉट्स है लिए जा रहे हैं। गॉडज़िला का कंफर्मेशन यहाँ पर जो है टेक डाउन, यहाँ पर मतलब गॉडज़िला ने तो एक कंफर्मेशन ले लिया लेकिन यहाँ पर उनको यहाँ पर जो है फाइनली कर दिया जाएगा टेक डाउन। और एक आराम से क्रूशियल रिवाइवल इस समय यहाँ पर देखने को मिला, नंबर ऑफ एलिमिनेशंस यहाँ पर ये टीम अपने फेवर में करती हुई नजर आ रही है क्योंकि टोटल 13 एलिमिनेशन ये टीम ऑलरेडी यहाँ पर देखिए जो सिक्योर है वो कर चुकी है। बिल्कुल एक बेहतरीन पोजिशनिंग अभी के लिए फिलहाल हमको जो है देखिए विटनेस करने को मिल जाएंगे, एक अच्छी फाइट्स यहाँ पर जो है देखिए विटनेस करने को ऐसे में यहाँ पर जरूर मिली। और आज के दिन का जो तीसरा मैच है यहाँ पर बात करी जाए कलहारी का, वो भी यहाँ पर शुरुआत यहाँ पर जो खत्म होगा, अगला मैच जो गाइस रहने वाला है वो एल्फाइन का रहेगा। लेकिन अगर बात करते हैं टीम NG यहाँ पर जो है टीम नॉन स्टॉप गेमिंग की, तो वो अभी तक तो यहाँ पर जो है बिल्कुल इस समय यहाँ पर नॉन स्टॉप प्रदर्शन ही देखने को मिल रहा है। लेकिन महेंद्र इस समय जो कि बहुत ज्यादा क्रूशियल है वो टेक डाउन है, बट फाइनली यहाँ पर जो ग्रेनेड्स है करे जा रहे हैं महेंद्र की बताई हुई पोजिशनिंग्स पर, बट एनी के द्वारा जो हेडशॉट देकर जो एलिमिनेशन है वो भी यहाँ पर सिक्योर कर लिया जाएगा। बट जालिम ने यहाँ पर चलिए फाइनली स्पॉट आउट करा है किसी एक प्लेयर को और 12 प्लेयर अंतिम यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगे इस मैच के अंदर, जिसमें से 4 तो इन्हीं के हैं, तो बचे हुए 8 प्लेयर्स के ऊपर बस किसी ना किसी तरीके से लगाम लगानी है। बट टीम सी की के प्लेयर्स क्रेजी जिस तरीके से खेल रहे हैं वो रुकने का नाम नहीं यहां पर ले रहा, उनका 5वां किल मुझे कंप्लीट होता नजर आ रहा है। और जी हां बिल्कुल बोलते क्षण यहां पर देखिए जो कंप्लीट है वो हो भी जाएगा, छठे की यहां पर जो है तैनात पर, छठे की यहां पर जो शिकार पर जो आगे की तरफ बढ़ते नजर आएंगे। ग्रेनेड्स अपनी यूटिलिटीज का इस्तेमाल बहुत शानदार तरीके से देखिए करा जा रहा है, बट जयनाम वो 18 यहाँ पर जो बिल्कुल फाइट्स निकालते नजर आएंगे, बट क्रेजी जाट स्टिल यू नो वेट करते नजर आएंगे। 8 प्लेयर अभी भी जीवित पूरी तरीके से और 7 प्लेयर अब जो जीवित है वो दिखेंगे। क्रेजी जार्ड बिल्कुल वेट पे वेट यहाँ पर जो है करना चाहते हैं, जो डैमेज है वो काफी ज्यादा हद तक जो है दिया जा रहा है, जो प्रॉब्लम्स है वेल देखिए काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ती नजर आएंगे। और जयनाम जिस तरीके से फाइट्स निकाल रहे हैं, ओ माय गॉड, एक कमाल का बुया सिक्योर करा जाएगा टीम साइकी स्पोर्ट्स के द्वारा। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन तीनों मैचेस में सबसे ज्यादा जो फिनिशेस है जो एलिमिनेशंस है इन्होंने अपनी टीम के लिए बटोरी है। देखिए एक मैच अच्छा सडनली यहाँ पर जो है टेबल टॉपर्स बन सकते हैं, जो एक बहुत बड़े बदलाव आते हैं हर एक मैच के बाद, क्योंकि हर एक प्लेयर के पास 4 एलिमिनेशन से कम नहीं है। मतलब टोटल अगर एलिमिनेशन की बात करी जाए तो 12 और 5 17 एलिमिनेशन इन्होंने भी यहाँ पर जो है सिक्योर कर लिए। बट ये तो रहेगा गाइस आज के दिन का तीसरा मैच, लेते हैं फिलहाल देखिए एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पर मिलेंगे आज के दिन के मैच नंबर 4 एल्पाइन के साथ।
सो वेल देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अगर बात कर ली जाए वेल लेविटेड ईस्पोर्ट्स प्रेजेंट्स ब्रेक पॉइंट 0.0 में एंड फेज 2 रहेगा गाइस। क्वालिफायर्स रहने वाले हैं, इनवाइटेड क्वालिफायर्स यहां पर जो देखने को मिल जाएंगे। बट अगर बात की जाए अल्पाइन के इस मैप की तो रही बेस कैंप के रीजन की तरफ से यहां पर फिलहाल फ्लाइंग पैथ स्टार्ट लेता नजर आएगा। मलेशिया एट द एंड यहां पर स्नोफॉल की रीजन की तरफ जाकर जो है पूरी तरीके से यहां पर देखिए जो समाप्त है वो होता नजर आ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अभी के लिए फिलहाल हमको जो है देखिए विटनेस करने को यहां पर जो है मिलता हुआ यहां पर जो है नज़र आ जाने वाला रहने वाला है ये फ्लाइंग पैथ। बट देखते हैं टीम ऑपरेक्स स्पोर्ट्स पिछले मैच में यहाँ पर एक बार फिर से जो शुरुआत है कुछ इतनी ज्यादा शानदार मिली नहीं थी, बट इस बार बोलते क्षण ही यहाँ पर जो है क्षेत्री यहाँ पर मीनवाइल जो पहला फिनिशर निकालते नजर आएंगे। इस प्लेयर ने ना भली भांति तरीके से अपनी टीम के लिए यहाँ पर जो काम है क्षेत्री ने करा है। लेकिन जैंगे भी यहाँ पर देखिए पहले मैच इन्होंने जिताया था और चौथा ही मैच अभी के लिए फिलहाल देखिए जस्ट जो है स्टार्ट लेता नजर आएगा, जहां पर K98 की तरफ से जो स्वैगर है वो टेक डाउन हमको जो है विटनेस करने को यहाँ पर मिलते नजर आएंगे। इसके साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर जो है बढ़ती हुई यहाँ पर जो है वेल नजर आ जाएंगी। टीम पार की प्लेयर्स की बात करी जाए पिछला मैच एक बुरे सपने के लिए एक वेकअप कॉल थी इनके लिए, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। सबसे पहली टीम बने थे जो कि यहां पर जो है एलिमिनेट होते हुए नजर आए थे, लेकिन इस बार यहां पर बात करी जाए ज्यूस के द्वारा जो ऑलरेडी शॉट्स लिए जा रहे हैं बट कनेक्शंस इस समय फिलहाल देखिए कुछ खास मिलेंगे नहीं। और M07 M10 टीम पागल M10 की तरफ से यहां पर देखे तो लेकिन इस समय सुपरमैन अपना निशाना चूकने वालों में से नहीं है, क्योंकि उनको पिछले मैच के भी जो एलिमिनेशन है वो रिकवर करने और कुछ अच्छे अंक ऐसे में यहां पर अर्जित करने अगर पॉइंट्स टेबल में आज के दिन के बाद एक बड़ा बफ एक अच्छी लीड ऐसे में यहां पर जो है कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। वेल देखिए अगर बात करी जाए बेन M10 यहाँ पर जो है प्रॉपर यहाँ पर जो पोजीशनिंग्स देखने को मिल जाएंगे। क्रिशु M10 यहाँ पर जो है वेल बिल्कुल ऐसे में यहाँ पर जो देखने को यहाँ पर मिल जाने वाली है। लेट्स सी यहाँ पर जो फाइट्स हैं वो किस तरीके से ऑलरेडी हमको यहाँ पर विटनेस करने को मिल जाएंगे। लेकिन देवी और सज्जनों अगर आपने अभी तक जाके देखिए मैं बोलना चाहूंगा लाइक नहीं करा शेयर नहीं करा सब्सक्राइब नहीं करा तो जाइएगा इस फटाफट से कर दीजिए। बट टीम पागल M10 के प्लेयर्स की अगर बात करी जाए तो बिल्कुल आराम से वेल यहाँ पर जो होल्ड करते नजर आ जाने वाले। M07 के जो प्लेयर्स हैं वेल वो बिल्कुल आराम से यू नो वेट करते हुए जरूर नजर आ जाएंगे, लेकिन यहां पर जो है अभी भी टिक कर जो है खेलते हुए नजर आ जाने वाले। जेनिक्स बॉय M10 यहां पर बिल्कुल आराम से वेट करते जरूर नजर आ जाने वाले एक बेहतर पोजीशनिंग्स। बट LR7 ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स भी जो है फाइट्स के अंदर ऑलरेडी यहां पर जो है कमिटमेंट करते नजर आ रहे। स्नैपी अधीरज ऋषभ एंड सिमर जो है वो भी वेट करते नजर आएंगे, बट डीपन एंड क्षेत्री यहां पर जो है बिल्कुल होल्ड यहां पर जरूर करने वाले। बिल्कुल एक बेहतर पोजीशनिंग्स हमको जो है दिखाई देने वाली है। बट एज ऑफ नाउ टीम ऑपरेक्स ईस्पोर्ट्स यहां पर जो डैमेज है अपने ऊपर यहां पर काफी ज्यादा तक लेते नजर आ जाएंगे, लेकिन ये दोनों प्लेयर्स ऊपर की तरफ क्लाइंब अप करना चाहते हैं। डैमेज यहां पर क्षेत्री के ऊपर काफी ज्यादा पड़ता नजर आएगा। इस समय गगन एलिमिनेट यहां पर करते नजर आएंगे और टीम ऑपरेक्स ईस्पोर्ट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी हां बिल्कुल इस मैच में एक बार फिर से सबसे पहली टीम बनेगी। पहली बार मतलब आज के दिन में ऐसा हुआ है कि यहां पर सबसे पहली टीम बनी ऑपरेक्स ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स जो कि एलिमिनेशन यहां पर फेस करते नजर आए। बट SE के प्लेयर्स ऐसी के प्लेयर्स लेट्स सी यहां पर जो फाइट्स है वो हमको किस तरीके से यहां पर जो है विटनेस यहां पर जो दे जाए। लेट्स सी यहां पर जो फाइट्स है वो हमको देखने को मिल सकती है। एस शीक की तरफ से अगर देखा जाए टीम शीक की स्पोर्ट्स यहाँ पर जो है बिल्कुल टीम SE के जो प्लेयर्स है वह समय आगे की तरफ यहाँ पर जरूर बढ़ते नजर आएंगे। टीम नॉन स्टॉप गेमिंग के प्लेयर्स भी यू नो आगे की तरफ देखिए जाते नजर आएंगे। फैब गगन एंड राहुल यहाँ पर जो है बिल्कुल वेट करना चाहते हैं। जेनिक्स बॉय बेनिक्स M10 एंड M07 M10 यहाँ पर जो है बिल्कुल डैमेज पे डैमेज देंगे। LR7 ऋषभ को कर दिया जाएगा टेक डाउन, तो इससे समझ में आता है टीम LR7 स्पोर्ट्स के प्लेयर्स भी जो है जूझते हुए यहाँ पर देखिए नजर आ रहे हैं। सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल है ऐसे में यहाँ पर लग रहा है
रहा है, फिर इसका मतलब तो ये, बट सिमर के द्वारा ये रश रुका जाएगा क्योंकि इस प्लेयर को मालूम है किस तरीके से ऑलरेडी यहाँ पर जो फाइट्स है वो निकालनी है, किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रेड्स है वो यहाँ पर निकालने हैं। बट एज ऑफ नाउ लेट्स सी प्लेयर्स यहाँ पर जो है किस तरीके से यहाँ पर जो फिनिशेस है वो सिक्योर करते हैं। सिमर अभी भी यहाँ पर जो बिल्कुल देखिए टिक कर खेलते ना जाएंगे अधीरज इस समय यहाँ पर टेक डाउन। सिमर यहाँ पर स्टेलियनो होल्ड जरूर करेंगे बट M10 की बात करी जाए अधीरज इस समय टेक डाउन। सिमर के द्वारा जो शॉट्स है वो लिए जा रहे हैं लेकिन सिमर कर दिए जाएंगे टेक डाउन एंड स्नैपी बींग डेड नाउ सोलो प्लेयर एंड लेट्स सी कैन ही एबल टू क्लच इट आउट क्योंकि यहाँ पर या तो फिर अपने प्लेयर्स को रिकॉल करना पड़ेगा बैक करना पड़ेगा अन्यथा सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। बट जोन का मैटर यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक ही किस्म का यहाँ पर चलता है। पहला जोन काफी ज्यादा सेंट्रल रहता है बट उसके बाद यहाँ पर जो जोन के जो हरकत है वो हमको देखने को मिलती है। बट टीम बेनेक्स M10 की अगर बात करी जाए वो भी फाइट्स के अंदर कमिट करते नजर आएंगे बट फैब निखिल की बात करी जाए तो वो फाइट्स यहाँ पर जो है इनिशिएट करते नजर आ रहे हैं काफी ज्यादा शानदार तरीके से। और टीम SH ऑफिशियल्स की बात करी जाए कुछ अच्छी फाइट्स हमको जो है विटनेस करने को मिल जाएंगी। बिल्कुल देखिए अगर बात करते हैं कुछ अच्छी पोजीशनिंग सभी के लिए फिलहाल हमको जो विटनेस करने को मिल रही है। राहुल की अगर बात करते हैं प्रणय के अराउंड ऐसे में यहाँ पर एक प्रॉपर पोजीशनिंग सभी के लिए फिलहाल विटनेस करने को यहाँ पर देखिए जो है मिल जाने वाले। बट टीम TSG की बात की जाएगी तो बिल्कुल अदीब एंड जो अमन है वेल वो बिल्कुल देखिए होल्ड जरूर करते नजर आएंगे। बट क्रेजी जैट गॉडज़िला ज़ेनम एंड सम्राट भी जो है ना वो बिल्कुल देखिए होल्ड करते हुए नजर आएंगे। बट टीम TSG की बात करें तो बिल्कुल उनको आगे की तरफ देखिए यहाँ पर जो है मूव ऑन करना रहेगा। एनी यहाँ पर जो है बिल्कुल इस समय यहाँ टेक डाउन जो शॉट्स हैं वो लिए जा रहे हैं जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ेंगी। बट TSG की तरफ से टेक डाउन पे टेक डाउन निकाले जा रहे थे और बिल्कुल इस समय लेकिन सडनली TSG यहां पर ट्रिपल एक्स की बात करें TSG लेजेंड्स के जो प्लेयर्स हैं वो सडनली यहां पर थोड़ा सा टेक डाउन यहां पर जो है कर दिए गए। और अमन यहां पर मुझे उनका जो नेट है वो थोड़ा सा ऐसा प्रतीत हो रहा है FK टाइप से है बट महेंद्र को भी कर दिया जाएगा टेक डाउन। अचानक से इस मैच ने जो रफ्तार है पकड़ी और टीम नॉन स्टॉप गेमिंग के लिए भी जो चीजें हैं वो सही से अब वर्क यहाँ पर जो अभी के लिए फिलहाल तो देखिए यहाँ पर नहीं कर रही है। बट बेनेक्स M10 की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल उनको कवर फायर देना पड़ेगा। टीम पागल M10 के प्लेयर्स अगर इस मैच में सर्वाइव करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा सोच समझ कर यहाँ पर जो है अब अपना एक एक कदम यहाँ पर उठाना पड़ेगा क्योंकि ज्यूस ने आपके एक और बचे हुए साथी को यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर जो है एलिमिनेट कर दिया है। बिल्कुल अगर ऐसे में बात करी जाए तो देखते देखते यहाँ पर जो साइको है वेल वो भी यहाँ पर जो कंफर्मेशन से यहाँ पर सिक्योर करते नजर आएंगे काफी ज्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पर जो है तैनात रहने वाले काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो ट्रेड्स है वो यहाँ पर निकाले जाएंगे। लेट्स सी यहाँ पर जो टीम है वो किस तरीके से यहाँ पर जो फिनिशर्स है वो सिक्योर करती है। बट टीम पार की अगर बात करें तो डीबू बॉट 07 ज्यूस एंड साइको यहाँ पर जो हमको विटनेस करने को यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। लेट्स सी यहाँ पर जो टीम्स है वो किस तरीके से फाइट्स निकालती नजर आएंगी और बिल्कुल जो डैमेज है वो भी यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल अभी के लिए कैसे अगर देखा जाए तो जो शॉप फाइट्स है वो ऑलरेडी यहाँ पर चलती नजर आ रही है। टीम पार के जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल अभी के लिए यहाँ पर जो डैमेज है वो देते नजर आएंगे। डीपू बॉट 07 यहाँ पर जो बिल्कुल वेट करते नजर आएंगे। ज्यूस यहाँ पर जो बिल्कुल रुक कर जो है खेलती हुई नजर जरूर आ जाने वाली है लेकिन लेट्स यहाँ पर देखे तो बिल्कुल साइको एक्स की अगर बात करी जाए तो ये प्लेयर सिंगल हैंडली इस मैच को टीम पार के प्लेयर्स को आगे लेकर जाना जो है जानता है। ज्यूस FF यहाँ पर जो है बिल्कुल रुक कर जो है देखे खेलते नजर आएंगे। बट सुपरमैन की अगर बात करें तो एक बेहतरीन पोजिशनिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है बैक टू बैक मल्टीपल नंबर ऑफ फाइट्स ऐसे में यहां पर जो है ली जा रही है। 27 प्लेयर अभी भी हमको जो है जीवित देखने को मिल जाने वाले हैं बट सुपरमैन बिल्कुल वेट करते हुए नजर आएंगे। फैब निखिल राहुल यहाँ पर जो है ना बिल्कुल होल्ड करते हुए नजर जरूर आ जाने वाले रहने वाले हैं। प्रणय यहाँ पर स्टिल यहाँ पर जो है वेट करेंगे। महेंद्र की अगर बात करी जाए अमन 16 अदीब एंड जो है ट्रिपल एक्स यहाँ पर स्टिल यू नो वेट करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन टीम TSG लेजेंड की अगर बात करें तो उनके द्वारा यहाँ पर जो जंप है वो ले ली जाएगी। टीम नॉन स्टॉप गेमिंग बिल्कुल जंप एंड ऑल यहाँ पर करती जरूर नजर आ रही। बट टीम SH ऑफिशियल की बात करें तो एक बेहतर पोजिशनिंग उनके पास भी अब देखने को मिल सकती है लेकिन आउटसाइड ऑफ जोन अभी के लिए जो जंप है वो करी जा रही। लेकिन सुपरमैन सेटल होने का जो मौका है वो अपने अपोनेंट को यहाँ पर अब नहीं देना चाहते और संकेत को जो संदेश है वो दिए हैं और उनकी संकेत मतलब उनके जो संकेत है उनकी टीम तक भी पहुंचा दिए कि यहाँ पर हम अगर आप हमारे से इस मैच में फाइट्स लेते हैं तो हम तो अब पूरी तरीके से यहां पर जो है सही से कनेक्शन करने वाले हैं। और 6-3 9-3 12-2 15 12-2 14 फिनिशर्स जो है
14 एलिमिनेशंस ऑलरेडी ये जो टीम है अपने बैग में कर चुकी है, और भी देखिए प्लेयर्स की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन टीम बॉस ऑफिशियल उनको भी अब देखिए आगे की तरफ यहां पर बढ़ना होगा। अभी तक मात्र एक किल आया है, लेकिन अगर बात करते हैं टीम हुज़ाई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स की तो वेल वो भी यहां पर रोटेशंस करते नजर आएंगे। लेकिन अगर बात करी जाए टीम डू और डाई की तो सागर और स्वैगर का ये डेडली डुओ लेट्स सी कितनी ज्यादा देर तक यहां पर सर्वाइव करेगा। लेकिन रिकॉल एरिया पर जो है फाइट चल रही थी और महेंद्र चाहते थे अपने प्लेयर्स को रिकॉल करना। कई बार मैंने अभी बोला भी था, कई बार ऐसा होता है कि आप जाते हैं रिकॉलिंग पॉइंट पर, वहां पर आपको जो एक नई चुनौती मिलती है, और कुछ वैसा ही विटनेस करने को मिला। बट सुपरमैन एंड दीपू यहां पर जो है बिल्कुल देखिए आगे की तरफ जाते नजर आएंगे। बट ईएक्सी की तरफ से यहां पर देखिए तो AS45 यहां पर जो है बिल्कुल ट्रेड निकालते नजर आएंगे। टीम बॉस ऑफिशियल एक बेहतरीन प्रदर्शन अभी के लिए फिलहाल देखिए विटनेस करने को यहां पर जो है मिल जाने वाला है। शानदार तरीके से यहां पर जो है फाइट्स हमको जो है देखने को मिलती नजर आएंगी। बट RSG के AJ गॉड यहां पर जो है बिल्कुल वेट करते नजर आएंगे। निशियन जो मैवरिक है वो भी आराम से यहां पर जो है देखिए वेट करते नजर आएंगे। बट स्वैगर अगर MRGRV एंड संकेत यहां पर जो है बिल्कुल वेट करते नजर आ जाएंगे। बट स्नैपी अधीरज ऋषभ एंड सिमर भी जो है ना वो बिल्कुल रुक कर जो है देखिए खेलते हुए जरूर नजर आ जाने वाले। टीम PW के प्लेयर्स एक बेहतरीन पोजीशनिंग्स उनके पास अभी के लिए फिलहाल हमको दिखाई दे रही है। SH की तरफ से यहां पर जो गगन है वो भी वेट करते नजर आएंगे। एक अच्छी पोजीशनिंग्स अभी के लिए फिलहाल हमको जो है विटनेस करने को यहां पर मिलेंगी। लेट्स सी यहां पर जो प्लेयर्स है वो किस तरीके से यहां पर यू नो जो ट्रेड्स है वो निकालते नजर आते हैं। निखिल एंड जो राहुल है वो भी आराम से यहां पर वेट करते नजर आएंगे। बट साइको के द्वारा जो कंफर्मेशन है जो कि टीम पार के प्लेयर्स इस समय यहां पर खेल रहे हैं उनको रोक पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन से ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि 7 एलिमिनेशन अभी तक किसी भी प्लेयर ने अपने नाम जो है इस मैच में नहीं करे हैं। बिल्कुल देखिए अगर बात करी जाए अभी तक यहाँ पर जो है 7 एलिमिनेशन एज अ इंडिविजुअल प्लेयर किसी भी प्लेयर ने अभी तक अपने नाम जो है करे नहीं है। और चारों प्लेयर्स अभी के लिए सबसे बेहतरीन बात तो ये जिस रन ऑफ फॉर्म में ये टीम देखने को मिल रही है वो काफी ज्यादा शानदार है। और अभी भी यहाँ पर जो सभी के सभी प्लेयर जो हमको जीवित दिखाई दे रहे हैं। राहुल की अगर बात करी जाए तो एक अच्छी पोजिशनिंग यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल राहुल की अगर बात करी जाएगी एक अच्छी पोजीशनिंग यहाँ पर जो अभी के लिए यहाँ पर होल्ड करते जरूर नजर आएंगे। निखिल गगन एंड जो प्रणय वेल वो भी यहाँ पर वेट करते नजर आएंगे। बट टीम TSG के जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल टीम TSG लेजेंड यहाँ पर जो है वेट करते नजर आएंगे, क्योंकि जानते हैं इकलौता प्लेयर है अगर एक छोटी सी गलती करी तो प्रॉब्लम्स यहाँ पर जो है काफी ज्यादा बढ़ेंगी। गॉडज़िला एंड जो क्रेजी जाट है वो बिल्कुल रुक कर जो है देखिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे। बिल्कुल जय नाम 18 यहाँ पर जो बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर रहेंगे। TSG के जो प्लेयर्स है वेल वो बिल्कुल आराम से यहाँ पर वेट करते नजर आएंगे। एक बेहतर पोजीशनिंग अभी के लिए फिलहाल हमको जो विटनेस करने को मिल रही है। राहुल की अगर बात करी जाए तो बिल्कुल वेट करते हुए नजर जरूर आ जाएंगे। बट राहुल के द्वारा गॉड इस समय यहाँ पर जो है करे जाएंगे टेक डाउन। AS45 यहाँ पर स्टिल यू नो बिल्कुल रुक कर जो है खेलते नजर आ रहे हैं। बट टीम पार को यहाँ पर रोक पाना थोड़ा सा अभी यहाँ पर नामुमकिन लग रहा है। और इन्होंने जिस समय कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है जिसको भी स्पॉट आउट करेंगे एलिमिनेशन के लिए और श्योर जाने वाले, और हुड संकेत को भी कर दिया जाएगा टेक डाउन। इससे समझ में आता है टीम डू और डाई पूरी तरीके से प्रॉब्लम में यहां पर जो है पड़ती हुई नजर आ जाएगी। बस मात्र अंतिम 18 प्लेयर हमारे बीच हमको जो जीवित है वो देखने को यहां पर जो है मिल जाने वाले हैं। CFF की तरफ से जो अनी है डाउनफॉल है गॉड है वो बिल्कुल आराम से यहां पर देखने को मिल जाएंगे। अपना जो गॉड मोड है वो ऑन ऐसे में यहां पर जो है करना पड़ेगा। बट AJ गॉड एक बेहतरीन प्रदर्शन अभी के लिए फिलहाल हमको जो है देखिए विटनेस करने को मिल रहा है। लेट्स सी यहाँ पर जो फाइट्स है हमको किस तरीके से यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर जो है विटनेस करने को मिलने वाली है। लेकिन एज ऑफ नाउ AJ गॉड यहाँ पर स्टिल यू नो टिक कर जो है हमको खेलते हुए यहाँ पर जो है नजर आ जाने वाले हैं। लेट्स सी ये फाइट्स यहाँ पर जो है किस तरीके से यहाँ पर चलेगी। बट टीम GSUs दीपू बॉट मैन यहाँ पर जो है बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर्ड, और ऐसे में यहाँ पर जो शॉट्स है वो ऑलरेडी यहाँ पर जो है लिए जा रहे हैं। लेकिन सुपरमैन यहाँ पर जो है बिल्कुल गगन इस समय यहाँ पर देखिए टेक डाउन करते चढ़ाएंगे। क्रेजी यहां पर जो है पूरी तरीके से तैनात। लेकिन SH ऑफिशियल्स के प्लेयर्स देखिए यहां पर हर एक टीम किसी भी क्षण यहां पर जो कमबैक है वो करती नजर आ सकती है। बट लेट्स सी कौन सी टीम रहेगी जो कि गाइस इन द एंड में यहां पर जो है फाइनल लाफ लेती नजर आ जाने वाली है। राहुल एंड प्रणय गगन यहां पर पूरी तरह से तैनात। बट क्रेजी जाट अभी के लिए यहां पर फिलहाल देखिए जो है कर दिए जाएंगे टेक डाउन करते नजर आ रहे हैं बैक टू बैक। अभी के यहां पर जो पिक्स है वो निकालते हुए नजर आएंगे। राहुल ऑलरेडी टेक डाउन है और प्रणय अब एकमात्र इकलौता प्लेयर ऐसे में यहां पर बचा रहेगा।
प्लेस और टीम श्रीक की अगर बात करी जाए तो क्या लगातार दूसरा बुया लेने की यहाँ पर ऐसे में यहाँ पर जो इनकी मंशा है वो दिख रही है, लेकिन टीम पावर को उससे पहले यहाँ पर जो है दिक्कतों में डालना पड़ेगा, क्योंकि चारों प्लेयर्स जिस रन ऑफ फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं रोक पाना बहुत मुश्किल। और देखिए आपको भी ऑलरेडी स्पॉट आउट करके रखा हुआ है, प्रॉपर 4v4 की यहाँ पर जो ये फाइट्स हैं वो विटनेस करने को यहां पर मिलेंगी। ज्यूस एंड साइकोएक्स स्टिल बिल्कुल वेट करेंगे, बट सुपरमैन के द्वारा कंफर्मेशंस ऑलरेडी यहां पर सिक्योर करी जा रही है, और एसएस के जो गॉडज़िला है वेल उनको टेक डाउन कर दिया जाएगा, बट साथ ही साथ फैब के जो प्रणय हैं एसएच ऑफिशियल्स की तरफ से वो भी एक S2H रोटेशंस देखिए जरूर कर रहे हैं, लेकिन बचकर खेलना पड़ेगा, लेकिन इनको ज्यादा देर तक बचने की अनुमति जो है ऐसा प्रतीत होता है नहीं दी जाएगी, क्योंकि दीपू बॉट 07 ने ऑलरेडी यहाँ पर जो स्पॉट आउट है वो कर लिया था। चारों प्लेयर्स ऑलरेडी यहाँ पर यू नो जो शॉट्स लेते नजर आ रहे थे, जो विनर विनर चिकन डिनर है टीम पावर के नाम जाने के, देखिए प्रबल दावेदार पेशी हो रही है, क्योंकि टीम सीक के प्लेयर्स भी ऑलरेडी यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से आउटसाइड ऑफ द जोन यहाँ पर जो है टेक डाउन करे जा रहे हैं, बट टीम बॉस ऑफिशियल द वन जो कि यहाँ पर इस गेम को टीम पार के मुंह से यहाँ पर जो इनके जबड़ों से यहाँ पर छीन सकते हैं, क्योंकि उनके पास यहाँ पर जो एक अच्छा जोन है, बट एनी विद डेड व्हीकल यहाँ पर जो है पूरी तरीके से इंक्लूजन यहाँ पर जरूर करेंगे, बट AS-45 ऊपर की तरफ शानदार तरीके से कवर फायर देते नजर आएंगे, बट चारों प्लेयर अपने आप को वापस से यहाँ पर जो हील है वो करेंगे, एक प्रॉपर 4v4v1 रहने वाला है। देखते हैं एक प्लेयर यहां पर जो टीम सीक की तरफ से, जी हां बिल्कुल सम्राट अभी भी जीवित रहेंगे, ओपन ऑफ द मैप में आते हुए कुछ प्लेयर्स को भी क्लिक करा तो जरूर है स्पॉट आउट, लेकिन अंतकार कितनी ज्यादा देर तक यहां पर बने रहेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। जी हां बिल्कुल थोड़ा सा स्टेबल करने का जो प्रयास है वो चल रहा है, जैसे यहां पर स्टेबल होंगे जो शॉट्स है वो जाते नजर आएंगे, और देखिए RSG के AJ गॉड को टेक डाउन करके इन्होंने जो कार्य है वो कठिन कर दिया है, मैं बोलना चाहूंगा दोनों ही टीम के लिए, क्योंकि दूसरी तरफ सुपरमैन के पास एक अच्छा जोन है और उसका एडवांटेज यहां पर भली भांति तरीके से उठाते हुए नजर आए, लेकिन अब जाना है जोन के अंदर और टीम बॉस के साथ अब ये जो चुनौती है वो 3v1v1 में यहां पर तब्दील हो चुकी है, क्योंकि पीछे से शॉट जो आए उन्होंने पार्टी स्पॉइलर का रोल अदा करा, और वेल बिल्कुल जो कंफर्मेशन है वो देखने को मिल गई, सम्राट यहाँ पर जो है बिल्कुल स्पॉट आउट कर लिए जाएंगे, ज्यूस पूरी तरीके से यहाँ पर जो है काउंटर अटैक करने के लिए यहाँ पर जो है एक अटैकिंग इंटेंट के साथ आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर अपने आप को जो प्रिपेयर्ड है वो देख रहे हैं, और सम्राट यहाँ पर स्टिल यहाँ पर जो है वेट करेंगे, बट एल्पाइन का ये मैप किसी भी क्षण ऐसे में यहाँ पर जो समाप्त है वो होता नजर आएगा आज के दिन का चौथा मैच, और फाइनली यहाँ पर जो है विनर विनर मतलब मैं बोलना चाहूंगा जो बुया है यहाँ पर जो विन है करने के यहाँ पर चांसेस काफी ज्यादा है यहाँ पर टीम पावर के, और अब तो यहाँ पर एक औपचारिकता सी ऐसे प्रतीत हो रहा है क्योंकि बची है, क्योंकि दीपू बॉट 07 ऑलरेडी यहाँ पर जो आगे की तरफ जो है जा चुके हैं, बट जी नहीं एक प्लेयर ऑलरेडी यहाँ पर टेक डाउन है ज्यूस अभी के लिए फिलहाल, लेकिन अब यहाँ पर जो काउंटर अटैक में यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ सकती है, क्योंकि एनी को हमने देखा था पिछले मैच में भी दिक्कतें बढ़ाते हुए, लेकिन आउटसाइड ऑफ द जोन सुपरमैन एलिमिनेट करेंगे, और फाइनली टीम पावर अपनी पावर एक बार फिर से शोकेस करती नजर आएगी। तीसरा मैच अच्छा नहीं किया था, लेकिन मुझे लगता है उस सभी के जो पॉइंट्स है इस मैच में बुया और जिस तरीके से नंबर ऑफ एलिमिनेशंस इस टीम ने अपने नाम करे हैं वो पूरी तरीके से काफी ज्यादा हद तक अपने नाम यहां पर कर लिए हैं, और वेल एक कमाल का प्रदर्शन देखिए यहां पर जो है विटनेस करने को मिला है। टोटल यहां पर जो अगर फिनिशर्स की बात करी जाए तो 5-5-10 और 19-7 26 यहां पर जो फिनिशर्स हैं अपने नाम 26 एलिमिनेशन इन्होंने अपने नाम करे, मतलब हाफ ऑफ द लॉबी से भी ज्यादा, मतलब हाफ ऑफ द लॉबी आप मान लीजिए यहां पर जो एलिमिनेशन है इन्होंने कर दिया। बट चलिए गाइस लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार मिलेंगे आज के दिन केवल अपने फिफ्थ मैच की तरफ।
जी हाँ वेल देवी और सज्जनों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर वेल बात करी जाए आज के दिन के यहाँ पर जो है ब्रेक पॉइंट 0.2 फेस टू डे वन क्वालिफायर्स रहने वाले हैं। मैच नंबर 5 देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं फ्लाइंग पाथ की एक बार फिर से। बरमूडा के इस मैप के अंदर आपका गाइस स्वागत है। एंड मार्स इलेक्ट्रिक फैक्ट्री क्लॉक टावर बीमा शक्ति श्री प्लांटेशन एट देन शिपयार्ड की रीजन की तरफ जाकर जो है ये फ्लाइंग पाथ यहाँ पर जो है देखिए समाप्त होता हुआ नजर आ जाने वाला है। काफी ज्यादा वेल मैं बोलना चाहूंगा देखिए इंटरेस्टिंग रहने वाला ये फ्लाइंग पाथ है। लेकिन कुछ टीम्स को यहाँ पर विटनेस करना चाहूंगा। टीम ऑपरेट ईस्पोर्ट जिस तरीके से इन्होंने पिछले कुछ समय में यहाँ पर जो है वगैरह यहाँ पर ली है वो काफी ज्यादा शानदार अभी के लिए यहाँ पर जो है देखने को मिला है। मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर जो टीम्स है वो फाइट्स वगैरह यहाँ पर लेती जरूर नजर आई। बट ऑपरेक्स की अगर बात करते हैं तो हाइंजो वेल आराम से यहाँ पर जो है देखिए बिल्कुल टिक कर खेलती नजर आएंगी। डीपेन भी यहाँ पर जो है बिल्कुल यहाँ पर वेट करती नजर आएंगी। बट टीम एच ई की तरफ से यहाँ पर जो टीम एच ई के प्लेयर्स यहाँ पर मैवरिक पहला ट्रेड ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके हैं। एक और प्लेयर को करा जाएगा स्पॉट आउट लेकिन जस्ट एक्स डी उसका यहाँ पर जो टेक डाउन निकालेंगे। बट कंफर्मेशन यहाँ पर जो है जी एस आई को यहाँ पर जो देखने को मिल जाने वाली। इससे समझ में आता है कि टीम एक मैच टीम पावर का बहुत डिसेंट जाता है लेकिन कभी कभार जब ड्रॉ क्लैश होता है देन यहाँ पर जो है इनके लिए संघर्ष करना पड़ता है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं जब वेपन नहीं मिलते ड्रॉ क्लैश के अंदर चाहे वो कोई भी टीम हो। बट टीम बॉस ऑफिशियल इस समय यहाँ पर जो है पूरी तरीके से डाउनफॉल लाना चाहती है अपने अपोनेंट्स का और अपने आप को जब ऊपर लेकर जाना है तो आपको आगे लेकर जाना पड़ेगा। बट एनी इस समय टेक डाउन एजे गॉड धीमे धीमे करके इनक्लोजर कर रहे हैं। बट एनी का भी कंफर्मेशन जो है ले लिया जाएगा। अगर एक सही समय पर एक सही बॉल अभी के लिए क्रिएट नहीं करी तो एजे गॉड खुद को भी बहुत ज्यादा दिक्कतों में पा सकते हैं। लेकिन अगर एजे गॉड की बात करेंगे तो वेल बिल्कुल वेट करते नजर आएंगे और बेन के जो M10 है उनको कर दिया जाएगा टेक डाउन। बिल्कुल एजे गॉड की बात करते हैं जो ट्रेड्स पे ट्रेड्स हैं वो निकाले जा रहे हैं। जो फिनिशेस पे जो फिनिशेस है वो ऑलरेडी यहाँ पर जो सिक्योर है वो हमको होते हुए जरूर नजर आ जाने वाले हैं। बट अगर ज्यूस की बात करी जाए टीम पावर की तरफ अभी के यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल यहाँ पर देखिए जो तैनात है वो दिखाई देंगे। लेकिन टीम पागल M10 की अगर बात करी जाएगी तो ये बिल्कुल ना अभी भी यहाँ पर जो वेट करना चाहते हैं। टीम SH ऑफिशियल्स के जो प्लेयर्स एक बेहतरीन पोजिशनिंग में दिखाई जरूर देंगे। गगन प्रणय यहाँ पर जो बिल्कुल वो भी रुक कर जो है खेलते नजर आएंगे। बट विशाल विशाल 07 की अगर बात करते हैं अदीब एंड ट्रिपल एक्स यहाँ पर जो है बिल्कुल आराम से यहाँ पर वेट जरूर करेंगे। बट टीम TSG के प्लेयर्स एक अच्छी पोजिशनिंग सम्राट क्रेजी जाट एंड गॉडज़िला यहाँ पर जो है बिल्कुल फाइट्स के अंदर यहाँ पर जो कमिटमेंट है वो करते जरूर नजर आ जाएंगे। बट जालिम इंडिया ही ऐसे में यहाँ पर जो है ना बिल्कुल होल्ड करना चाहते हैं। एक बेहतरीन पोजिशनिंग सभी के लिए फिलहाल हमको जो है देखने को मिलती नजर आएंगी। बट राहुल की अगर बात करें तो बिल्कुल शानदार तरीके से यहाँ पर देखिए आगे की तरफ जाते नजर आएंगे। बट निखिल गगन एंड प्रणय भी यहाँ पर जो है एक अच्छी पोजिशनिंग में हमको ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 40 प्लेयर देखिए अभी भी कहीं ना कहीं जो जीवित है वो पूरी तरीके से हमको जो है पूर्ण रूप से यहाँ पर जो है मीनवाइल दिखाई दे रहे हैं। एंड 40 प्लेयर अभी भी यहाँ पर जो जीवित है वो दिखाई दे रहे हैं और आसान नहीं रहने वाला उन टीम्स के लिए जो कंप्लीटली इस समय यहाँ पर आउट नंबर्ड हो जाने वाली इन द इनिशियल फेज ऑफ द मैचेस में बुइया सिक्योर करना। बट अगर बात करते हैं इस समय तो टीम SH ऑफिशियल्स के प्लेयर्स के ऊपर ऑलरेडी देखिए जो शॉट्स है वो लिए जा रहे हैं। राहुल किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर जो है फटाफट से रीग्रुप करना चाहते हैं अपनी टीम के साथ क्योंकि गगन इस समय ऑलरेडी अपने टेक डाउन होते नजर आएंगे। बट निखिल के द्वारा रिवाइवल की प्रक्रिया एक गोल्डन HP पर यहाँ पर देखिए रहेगी जारी और आते हुए प्लेयर्स को भी निखिल यहाँ पर जो संभालेंगे। एक प्लेयर को नहीं दो प्लेयर्स यहाँ पर दिक्कतों में डालेंगे और वेल यहाँ पर देखिए CG वेम्पी को भी यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर आपने कर दिया है टेक डाउन और निखिल के द्वारा इस समय यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा जो कि सेवियर का रोल है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है अदा करा जा रहा है। और फैब यहाँ पर जो है बिल्कुल एक प्रणय यहाँ पर जो अपनी टीम के लिए कुछ बेहतरीन अंक इस समय यहाँ पर जो है हासिल करते नजर आएंगे और टीम UDOC इंडिया के प्लेयर्स का जो एलिमिनेशन है वो देखने को मिल जाएगा। बट टीम डू और डाई की अगर बात करी जाए एक बार फिर से वो तीन प्लेयर्स के साथ यहाँ पर देखिए आगे की तरफ बढ़ते नजर आएंगे। बट सागर इस समय बहुत ज्यादा करीब एक 1v1 का सिनेरियो लेकिन ओपेरा एक्स की तरफ से यहाँ पर देखते हैं तो क्षेत्री वहां से जो है ट्रेड्स पे ट्रेड्स यहाँ पर जो है मीनवाइल देखिए निकालते नजर आएंगे। एक बेहतरीन प्रदर्शन अभी के लिए फिलहाल हमको जो है देखिए विटनेस करने को मिलेगा। लेकिन देवी और सज्जनों अगर आपने चैनल को लाइक नहीं करा शेयर नहीं करा ना सब्सक्राइब नहीं करा तो जाइएगा प्लीज ऐसे में जाकर जो है फटाफट से करिए। बट ओपी क्षेत्री यहां पर जो है बिल्कुल अभी भी यहां पर जो है रुक कर जो है खेलते जरूर नजर आएंगे। लेकिन देवी और सज्जनों अपना जो प्यार है वो पूरी तरीके से यहां पर देखिए दिखाते रहिए। एंड अगर जाएंगे हाइंजो एंड डीपन भी जो यू नो वेट करेंगे। संकेत भी अभी के यहाँ पर जो है संकेत तो अभी के लिए काफी ज्यादा बेहतर दे रहे हैं। बट हुजाई स्पोर्ट्स की तरफ से अगर देखा जाए तो स्नेक निशी जस एंड यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल रुक कर जो है खेलते नजर आएंगे। टीम बॉस
ऑफिशियल्स की अगर बात करी जाए तो बिल्कुल आगे की तरफ देखिए बढ़ते जरूर नजर आ जाने वाले हैं। टीम टीएसजी लेजेंड यहां पर जो अमन को खोने के बाद ना फिलहाल इतनी ज्यादा कुछ वाइब्स हमको यहां पर देखने को मिली नहीं, बट क्रेजी जाट एक बार फिर से अपने नाम को जस्टिफाई करने के लिए यहां पर आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। जो फाइट्स हैं वो करी जा रही है, सम्राट के ऊपर जो शॉट्स है वो लिए जा रहे हैं, और इस बार मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि सर्वाइवल यहां पर एक बार फिर से स्वैगर का मुश्किल होने वाला। और टीम K98 का मतलब यही है कि टीम डू और डाई के जो प्लेयर्स हैं वो इस मैच से यहां पर जो एलिमिनेट है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो एलिमिनेशन है वो तो फिलहाल मैं बोलना चाहूंगा हमको जो है विटनेस करने को मिला है। लेट्स सी यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं वो किस तरीके से यहाँ पर ऑलरेडी हमको जो है देखने को मिल जाएंगे। लेट्स सी यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं वो किस तरीके से यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर जो फाइट्स हैं वो करती हुई जरूर यहाँ पर जो है नजर आ जाने वाली रहेगी। बट लेट्स सी यहाँ पर जो है मैवरिक एंड स्नेक यहाँ पर जो है बिल्कुल वेट कर रही है कौन सी टीम रहेगी जो कि यहाँ पर जो फिनिशर्स है वो सिक्योर करती है। मैवरिक निशी जर्स यहाँ पर जो है बिल्कुल सर्वाइवल यहाँ पर करा जाएगा। बट टीम बॉस ऑफिशियल की बात करें तो ट्रेड्स यहाँ पर जो है देखिए निकाले जा रहे हैं, जो फिनिशर्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएंगे। डाउनफॉल एनी एंड एजे गॉड यहाँ पर जो है बिल्कुल हमको तैनात दिखाई दे रहा है। बट एजे गॉड यहाँ पर जो है यहाँ पर असल में तो यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी यहाँ पर देखिए जो फाइट्स हैं वो निकालते हुए नजर आएंगे अपनी टीम के लिए। और एज अ इंडिविजुअल प्लेयर 6 एलिमिनेशन ऑलरेडी सिक्योर कर लिए, बचे हुए एक भी प्लेयर को एक भी अभी तक एलिमिनेशन है, वो जो खून यहां पर जो स्वाद है वो नहीं लगा है अभी तक यहां पर एलिमिनेशन का। और टीम पार की बात करें एक बार फिर से मतलब ड्रॉप क्लैश में देखिए साफ साफ समझ में आता है कि जो स्ट्रगल है वो करते हैं, लेकिन एक बार फिर से अपने आप को जो जीवित करेंगे यहाँ पर जो रिवाइवल है वो करते नजर आएंगे। टीम टीएसजी के जो अदीब है वो बिल्कुल अभी के हमको जो तैनात है वो दिखेंगे। बिल्कुल देखिए अगर बात करी जाए टीम टीएसजी के प्लेयर्स ने एक अच्छी पोजीशनिंग्स में दिखाई दे रहे हैं। जयनाम की अगर बात करी जाए वाले यहाँ पर जो ट्रिपल एक्स के अराउंड अभी के लिए फिलहाल जो है बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए जो प्रिपेयर्ड है वो भी यहाँ पर जो है देखने को यहाँ पर मिल जाने वाले रहेंगे। टीम टीएसजी के प्लेयर्स एक बेहतरीन पोजीशनिंग्स में अभी के लिए फिलहाल यहाँ पर विटनेस करने को मिलेंगे। बट अलॉन्ग साइड टीम शीक की अगर बात करी जाए तो ये तीनों प्लेयर्स ऐसे में यहाँ पर जो है वेट करते नजर आएंगे। बिल्कुल देखिए अगर बात करते हैं टीम शीक के प्लेयर्स गॉडज़िला सम्राट एंड क्रेजी जाट वेल यहाँ पर बिल्कुल होल्ड यहाँ पर जरूर करेंगे, बट ये तीनों प्लेयर्स ऐसे में यहाँ पर जो है बिल्कुल रुक कर जो है खेलते ना चाहेंगे। टीम टीएसजी जयनाम अदीब एंड जो अमन है वो भी यहाँ पर फिनिशर्स पे फिनिशर्स चाहते हैं सिक्योर करना। बट नॉन स्टॉप गेमिंग एसएच के जो राहुल है फैब निखिल गगन एंड जो प्रणय है वो भी यहाँ पर जो है कन्फर्मेशन यहाँ पर जो है लेते हुए नजर आ रहे हैं। बट टीम एसएच ऑफिशियल्स भी इस समय आगे की तरफ देखिए बढ़ती हुई नजर आ रही है बीमा शक्ति स्ट्रिप की तरफ से एक सदर्न पार्ट ऑफ द मैप्स की तरफ से वेल पर जो रोटेशन है वो पूरी तरीके से जारी रहेंगी। वेल यहाँ पर देखिए जो गाइस शॉट्स हैं वो यहाँ पर जो है जरूर लिए जा रहे हैं। अधीरज की अगर बात करी जाए ओपेनएक्स ई स्पोर्ट्स के यहाँ पर गेंजी को यहाँ पर जो है देखिए पूरी तरीके से जो है टेक डाउन कर दिया जाएगा, और जोन यहाँ पर जो है और भी ज्यादा यहाँ पर जो श्रिंक होता हुआ नजर आ जाने वाला है। मात्र कुछ ही सेकेंड्स के अंदर एक नया जोन अभी के लिए फिलहाल देखिए यहाँ पर लुक करता हुआ नजर आ जाएगा। बिल्कुल देखिए अगर बात करते हैं टीम ओपीएक्स टीम ऑपरेक्स ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स वेल बिल्कुल अभी यहाँ पर देखिए जो प्रिपेयर्ड है वो हमको दिखाई दे रहे हैं। डीपन आराम से यहाँ पर जो है वेल यहाँ पर जो टिक कर खेलते नजर आएंगे। बीएलके के जो सिमर है वो बिल्कुल आराम से यहाँ पर देखिए वेट करते नजर आएंगे। बट आरएसजी के जो प्लेयर्स है वो भी एक बेहतरीन पोजिशनिंग्स में दिखाई दे रहे हैं। सीएफएफ के जो अनी है वेल वो भी यहाँ पर जो ट्रेड्स निकालते नजर आएंगे। बट टीम एसएच ऑफिशियल्स टीम एसएच ऑफिशियल्स यहाँ पर जो है बिल्कुल वेट करेंगे। राहुल की अगर बात करी जाए बेहतरीन पोजीशंस यहाँ पर जो है फिलहाल दिखाई देने वाली है। राहुल की अगर बात करी जाएगी तो आराम से भी यहाँ पर जो होल्ड है वो जरूर करा जा रहा है। निखिल एंड गगन भी जो है वो बिल्कुल रुक कर जो है देखिए खेलते हुए जरूर नजर आ जाने वाले हैं। बट प्रणय की अगर बात करें तो आराम से यहाँ पर ये टीम जो है वो रुक कर खेलती हुई नजर जरूर आ जाने वाली है। प्रणय यहाँ पर जो है बिल्कुल वेट करते नजर आएंगे। बट निखिल की अगर बात करी जाए अच्छी पोजीशनिंग्स फिलहाल हमको जो है विटनेस करने को यहाँ पर जरूर मिल जाएगी, लेकिन यहां पर राहुल अंदर जाते नजर आ रहे हैं एसएच के गगन के साथ फिनिशर्स पे फिनिशर्स यहां पर सिक्योर कर रहे हैं और कंप्लीटली आउट नंबर यहां पर कर रहे हैं अपने अपोनेंट्स को। बट लेकिन उससे पहले अगर बात करते हैं टीम टीएसजी के लेजेंड्स की तो बिल्कुल उनको भी यहां पर जो है सोच समझ कर आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अमन अभी तक तो फिलहाल पहले तीन मैचेस में यहां पर जो नहीं दिखे थे, लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग आज के दिन का ये देखिए जो पांचवा मैच है वो फिलहाल यहां पर बहुत ही जल्द मुझे अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समाप्त होने वाला है, क्योंकि जोन इतना ज्यादा यहां पर एनक्लोजर आ चुका है, जोन बहुत ज्यादा जो श्रिंक है
वो ऑलरेडी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट क्लिक टॉवर, क्लॉक टॉवर, भीमा शक्ति स्ट्रिप एंड पीक के जो रीजन है वो फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। जोन एक काफी ज्यादा दूर यहाँ पर सभी टीम्स को छोड़कर जाएगा। टीम नॉन स्टॉप गेमिंग एक प्रॉपर पोजिशनिंग्स में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बट सी एफ एफ के जो अनी है उनके द्वारा यहाँ पर जो ट्रेड्स है वो निकाले जा रहे हैं। बट ट्रिपल एक्स की अगर बात करते हैं टीम टी एस जी लेजेंड की तरफ से यहाँ पर जो है ना बिल्कुल आराम से ऐसे में यहाँ पर जो होल्ड है वो करते हुए जरूर नजर आ जाएंगे। बिल्कुल टीम टी एस जी के प्लेयर्स एक प्रॉपर पोजिशनिंग्स में अभी के लिए फिलहाल हमको दिखाई दे रहे हैं। टीम शीक के जो सम्राट है वो भी ऐसे में यहाँ पर जो है होल्ड जरूर करेंगे। क्रेजी जाट यहाँ पर जो है बिल्कुल रुक कर जो है खेलते हुए नजर जरूर आ जाने वाले। बट गॉडज़िला सम्राट एंड क्रेजी जाट वेल बिल्कुल फिनिशेस पे यहाँ पर जो फिनिशेस है वो यहाँ पर जाते हैं यहाँ पर ऐसे में सिक्योर करना। बट टीम एसएस के प्लेयर्स, टीम शीक के जो प्लेयर्स हैं, लेट्स सी यहाँ पर जो फाइट्स हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बट अगर टीएसजी के यहाँ पर जो नेमन है वो बिल्कुल आराम से यहाँ पर जो देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल देखिए अगर बात करी जाए लेट्स सी यहाँ पर जो फाइट्स है हमको किस तरीके से देखने को मिलेगी। टीम टीएसजी लेजेंड स्टिल आराम से यहाँ पर जो है होल्ड करते हुए जरूर यहाँ पर जो है नजर आ जाने वाले। लेट्स सी यहाँ पर जो है लेट्स सी यहाँ पर जो फाइट्स है वो किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टीम एसएस के जो एसी के जो प्लेयर्स हैं वो भी होल्ड यहाँ पर करेंगे। बट महेंद्र विशाल जालिम एंड याही यहाँ पर जो है बिल्कुल रुक कर खेलते नजर आएंगे। बट टीम एसएच ऑफिशियल्स के प्लेयर्स भी एक बेहतरीन पोजिशनिंग्स में अभी के लिए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। दीपू बॉट 07 यहाँ पर जो है साइको अभी के लिए पर जो शॉट्स है वो लेते नजर आ रहे हैं। और टीम बॉस ऑफिशियल की तरफ से एजे गॉड ऑलरेडी यहां पर टेक डाउन है। AS45 एकमात्र इकलौता प्लेयर अभी के लिए यहां पर देखिए जो जीवित रहेगा। लेकिन ये चुनौती आसान नहीं है AS45 के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। 21 प्लेयर अभी भी हमको जो जीवित है वो देखने को यहां पर मिल रहे हैं और बिल्कुल आराम से एक अच्छी पोजीशनिंग्स पर ये जो प्लेयर्स हैं वो होल्ड करते हुए कहीं ना कहीं नजर जरूर आ जाएंगे। बट साइको की अगर बात करी जाए वेल आराम से यहां पर देखिए जो होल्ड है वो करा जा रहा है सम्राट वेल यहां पर जो वेट करते नजर आएंगे। बट गगन बिल्कुल ट्रेड्स निकाल रहे हैं बट AS45 किसी ना किसी तरीके से फॉल बैक करना चाहते हैं। आउटसाइड ऑफ द जोन जा रहे हैं। देखिए प्ले जोन को फिनिश देंगे तो मुझे लगता है ये भी ठीक है क्योंकि देखिए आप अपने अपोनेंट को फिनिश दोगे तो हमने देखा है कि एक पॉइंट से कितने ज्यादा यहाँ पर जो उतार चढ़ाव हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन एसएच ऑफिशियल्स के जो प्लेयर्स हैं वो भी फाइट्स करते नजर आएंगे। यहाँ पर जो है प्रणय यहाँ पर टेक डाउन कर रहे हैं। राहुल यहाँ पर जो है कंफर्मेशन सिक्योर कर रहे हैं। फिनिशेस काफी ज्यादा हैं इस समय ऑलरेडी इस टीम के पास। लेकिन यहाँ पर जो है टीम M10 के जो प्लेयर्स हैं वो भी ऑलरेडी यहाँ पर एलिमिनेट है। टीम पार की अगर बात करी जाए एक सोची समझी शुरुआत एक बार एलिमिनेट होने के बाद। लेकिन जानते हैं चारों प्लेयर्स जीवित हैं इस मैच को अपने नाम कर सकते हैं। दीपू बॉट 07 ने ऑलरेडी यहां पर जो है टेकडाउन करके रखा हुआ है। बट सुपरमैन की अगर बात करी जाए तो बिल्कुल आराम से यहां पर तैनात दिखाई दे रहे हैं। सुपरमैन के ऊपर जो शॉट्स है वो ऑलरेडी लिए जा रहे हैं। जो कनेक्शन है वो काफी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलेंगे। हायर ग्राउंड से एडवांटेज उठाकर ये टीम पूरी तरीके से इस बैटल को अपने नाम यहाँ पर जो है विन कर सकती है। इनफैक्ट मैं बोलना चाहूंगा इस बैटल को अपने नाम ही कर सकती है। विन करने की तो यहाँ पर जरूरत इनको पड़ेगी नहीं। बट ये लीजिए यहाँ पर सुपरमैन को यहाँ पर जो है लूज आउट कर दिया है। लेकिन वापस से यहाँ पर जो है रिकॉल कर लिया जाएगा। दीपू बॉट 07 स्टिल आराम से यहाँ पर जो है होल्ड करते नजर आएंगे। बट जिस तरीके से ज्यूस आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ये चुनौती देखिए बिल्कुल भी जो आसान है वो नहीं दिखाई दे रही है। बट प्लेयर इनके बहुत ज्यादा करीब इतना ज्यादा करीब जाके अगर आप इस तरीके से फॉल बैक करेंगे वो भी यहाँ पर अपनी बैक दिखाकर तो यहाँ पर देखिए दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। बट ये दोनों ही टीम्स के जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल वेट करते हुए जरूर नजर आ जाने वाले। दीपू बॉट 07 वो टिके रहेंगे। साइको वेल यहाँ पर जो है बिल्कुल होल्ड करते नजर आएंगे। बट सुपरमैन की अगर बात करी जाए तो ये टीम अभी के लिए यहाँ पर जो है होल्ड पे होल्ड जो है करती हुई नजर आ जाने वाली है। दीपू बॉट यहाँ पर जो है वेल वेट करेंगे। ज्यूस की अगर बात करी जाए एक बेहतर पोजीशनिंग अभी के लिए फिलहाल देखने को मिल जाएंगी। बट सुपरमैन की अगर बात करते हैं तो एक अच्छी फाइट्स यहां पर देखने को मिलेंगी। ज्यूस के जो FFN साइको यहां पर जो है बिल्कुल वेट यहां पर जो है करते नजर आएंगे। लेकिन याही की अगर बात करते हैं कुछ अच्छी फाइट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। एनजी के याही यहाँ पर जो है बिल्कुल होल्ड डाउन यहाँ पर करते नजर आएंगे। बट सुपरमैन, दीपू बॉट यहाँ पर ज्यूस स्टिल
फाइट्स पे फाइट्स यहाँ पर जो है कमिटमेंट कर रहे हैं, बट एस एच के गगन 03 यहाँ पर बिल्कुल फाइट्स करते नजर आएंगे, बट निखिल की अगर बात करी जाए ट्रेड्स पे ट्रेड्स यहाँ पर जो है निकाल लें और बिल्कुल जो डैमेज है वो दे दिया जाएगा। एन जी यहाँ पर जो टीम नॉन स्टॉप गेमिंग की तरफ से जो महेंद्र है वो भी फाइट्स एंड ऑल यहाँ पर जो है विन करते हुए नजर जरूर आ जाएंगे, बट टीम एस ई के प्लेयर्स जो टीम सी के जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल आराम से यहाँ पर जो हमको तैनात दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सम्राट यहाँ पर वेल बिल्कुल यू नो होल्ड करते नजर आएंगे, बट टीम एसएच के प्लेयर्स टीम एसएच ऑफिशियल्स देखिए जीत अभी के लिए कोई भी सकता है क्योंकि टीम पावर के पास हाई ग्राउंड से टीम एसएच ऑफिशियल्स डाउन द ग्राउंड से काफी ज्यादा देर से कॉन्स्टेंटली यहां पर जो कुछ बेहतर ट्रेड्स यहां पर निकालती नजर आ रही है, बट वॉल को यहां पर तोड़ा और सुपरमैन को मालूम था जैसे ही वॉल हटेगी उसी समय इनफैक्ट देखिए अपना शॉट भी यहां पर जो पीछे पीछे भेजा जो टेक डाउन है वो करते नजर आ रहे हैं। टीम एसएच ऑफिशियल्स को सप्रेस कर दिया है पूरी तरीके से और अंतिम दो प्लेयर्स टीम एसएच की तरफ से अभी के लिए मैं बोलना चाहूंगा जो सर्वाइवल है वो हमको यहां पर जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल राहुल भी यहाँ पर जो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे दीपू बॉट 07 के थ्रू, यहाँ पर जो बैक टू बैक जो फाइट्स हैं वो हमको विटनेस करने को मिल लेंगे, बट एजी की तरफ से जो ज्यूस है वो भी यहाँ पर जो है बिल्कुल टिक कर जो है खेलते नजर आएंगे, बट ज्यूस इस समय यहाँ पर देखिए फिगर आउट करते नजर आ रहे हैं कि कौन से वो दो प्लेयर है। क्रेजी जाट को ऑलरेडी टेक डाउन कर दिया है सम्राट एकमात्र इकलौता प्लेयर और एक बार फिर से यहाँ पर जो विनर विनर चिकन डिनर है टीम पावर के नाम जो बुया है वो यहाँ पर सिक्योर करेंगे टीम पावर के प्लेयर से। बेहतरीन प्रदर्शन अभी के लिए फिलहाल हमको जो है विटनेस करने को मिल जाएगा। टीम पावर हर एक मैच में अपना जो इंपैक्ट है वो डालती हुई नजर आ रही है, पूरी तरीके से अपने पावर अपने दम को होश में यहाँ पर रखते हुए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सही समय पर मौके पे चौका मारते हैं और इन द एंड गेम तक अगर आप देखें एलिमिनेशन कितने कर लिए तो 6, 3, 9, 2, 11, 1, 12 एलिमिनेशन इन्होंने अपने नाम करे हैं। बट चलिए गाइस लेते हैं छोटा सा ब्रेक के, उस पर मिलेंगे आज के दिन वाल अपने अंतिम आखिरी मैच की तरफ। तो वेल देवी और सज्जनों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, अगर ऐसे में बात कर ली जाए वेल आज के दिन के अपने अंतिम और आखिरी मैच में गाइस आप सभी का एक बार फिर से यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा वेल देखिए यहाँ पर स्वागत है अगर बात करते हैं फ्लाइंग पाथ की तो बिल्कुल एक कैंपसाइट की रीजन की तरफ से ब्राजीलिया एंड देन मैबल वर्क्स की रीजन की तरफ जाकर जो है समाप्त होता नजर आएगा, बट देखते हैं फिलहाल इस मैच में यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं वो किस तरीके से अपनी जो शुरुआत है वो करते नजर आएंगे। टीम शीक की अगर बात करी जाए तो एक बेहतरीन शुरुआत अभी के लिए फिलहाल हमको जो है देखिए ऑल एस ऑफ नाउ यहाँ पर जो है विटनेस करने को यहाँ पर जो है जरूर यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन लेट्स सी यहाँ पर जो फाइट्स हैं
वो हमको किस तरीके से यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगी, किस तरीके से अभी के लिए यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर जो ट्रेड्स हैं वो यहाँ पर जो निकालते हुए नजर आ जाने वाले हैं हर एक टीम के ऊपर। देखिए अभी के लिए मैं बोलना चाहूंगा जो निगाहें हैं वो रहेंगी, बट अभी के लिए फिलहाल अगर बात करते हैं, देखिए अभी तक तो फिलहाल कुछ वाइज देखने को मिली नहीं है। 45 प्लेयर्स अभी भी जीवित रहेंगे, टीम TSG के प्लेयर्स की अगर बात करी जाए उतरते क्षण ही फाइट्स के अंदर यहाँ पर कंपीट करते नजर आएंगे, जिसके चलते यहाँ पर जो दिक्कतें हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर जो है देखिए बढ़ती हुई नजर आ जाने वाली रहने वाली, और बिल्कुल ऐसे में यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर बढ़ने का यहाँ पर जो देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो नाम है वो लेती नजर आ रही है। दीप यहाँ पर अमन के साथ यहाँ पर जो थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पर देखिए आगे की तरफ जाना पड़ेगा, बट जो शॉट्स है वो लिए जा रहे हैं। जयनाम यहाँ पर जो है पूरी तरीके से टेक डाउन करते हुए जरूर नजर आएंगे, एक नहीं दो दो प्लेयर्स को यहाँ पर जो टेक डाउन कर दिया, सेवियर का रोल अदा करना होगा। जानते हैं अमन की बात करेंगे, उन्होंने भी एक अच्छा टेक डाउन जो ऑलरेडी निकाल दिया है, बट कंफर्मेशन के चक्कर में यहाँ पर आगे की तरफ जा रहे थे लेकिन उनको भी कर दिया जाएगा जैक के द्वारा टेक डाउन। और जयनाम बीइंग दैट नाउ सोलो प्लेयर एंड CG की तरफ से अगर यहाँ पर देखें तो वेम्पी यहाँ पर जो है ना बिल्कुल अभी के लिए पर जो हमको एकमात्र इकलौता प्लेयर यू नो जो तैनात है वो दिखाई दे रहे हैं, एंड लेट्स सी ये जो फाइट्स है वो किस तरीके से यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगी, क्योंकि जयनाम तो ऑलरेडी यहाँ पर जो है टेक डाउन दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल जो प्रॉब्लम्स है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। बेनेक्स M10 की बात करी जाए, टीम पागल M10 के जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल अपने आप को जो प्रिपेयर्ड है समझ रहे हैं, लेकिन बॉस डॉन फॉल यहाँ पर उतरते शनि टीम बॉस लेजेंड की तरफ से प्रॉब्लम्स देखिए मीनवाइल यहाँ पर जो है काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्नेक की अगर बात करी जाएगी एक प्रॉपर पोजिशनिंग यहाँ पर जो हमको देखने को यहाँ पर जो है मिल रही है, बट गाइस वेट अ सेकंड, अगर आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा लेकिन जिन्होंने अभी तक जाके गाइस स्ट्रीम को लाइक नहीं कराया ना यार, शेयर नहीं कराया तो जाइए गाइस प्लीज ऐसे में जाकर जो है फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए यार, लाइक कर दीजिए यहाँ पर प्लीज यार, क्योंकि आप लोग अगर अपना यहाँ पर जो सपोर्ट है वो दिखाते रहेंगे तो काफी ज्यादा यहाँ पर जो बेहतर है वो रहने वाला है। और ऐसे यहाँ पर जो बैक टू बैक जो इवेंट्स है वो यहाँ पर जो है आते रहेंगे यहाँ पर बोलना चाहूंगा लिमिटेड ई-स्पोर्ट्स की तरफ से, बट लेट्स सी यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं वो किस तरीके से यहाँ पर जो ऑलरेडी जो फाइट्स है वो हमको यहाँ पर जो इनिशिएट करते हुए यहाँ पर जो नजर आएंगे, किस तरीके से अभी यहाँ पर जो प्लेयर्स है वो फाइट्स यहाँ पर इनिशिएट करेंगे। बट गाइस वेट अ सेकंड, तो देखिए अगर बात करते हैं टीम HE की तरफ से यहाँ पर जो है ना प्लेयर्स अभी भी यहाँ पर जो होल्ड करते जरूर नजर आएंगे, बट AFF की तरफ से यहाँ पर जो फाइट्स है वो यहाँ पर चलती हुई जरूर नजर आ जाने वाली है। बट टीम पार्क की अगर प्लेयर्स की बात करी जाए तो वो बिल्कुल ट्रेड्स पे ट्रेड्स निकालते नजर आ रहे हैं। टीम TSG के लेजेंड इस मैच में यहाँ पर जो ऑलरेडी हमको जो काफी ज्यादा पहले यहाँ पर जो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स में यहाँ पर दिखे थे, लेकिन अगर बात करते हैं टीम ऑपरेट ई-स्पोर्ट्स की तो स्टिल अभी वो तीन प्लेयर्स के साथ जो शॉट्स हैं वो हमको यहाँ पर जो है देखने को यहाँ पर जो मिल जाने वाले हैं, जो शॉट्स हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर ले लिए जाएंगे, जो प्रॉब्लम्स है वो काफी ज्यादा यहां पर जो है बढ़ती हुई जरूर ऐसे में यहां पर जो है नजर जो है आ जाने वाली रहेंगी। लेट्स सी यहां पर जो टीम्स है वो किस तरीके से यहां पर हमको विटनेस करने को मिलेंगी, बिल्कुल किस तरीके से यहाँ पर जो फाइट्स है वो चलती नजर आएंगी, क्योंकि जाएंगे एज ऑफ नाउ अभी तक एक भी यहाँ पर जो फाइट्स के अंदर कमिट करा नहीं है, बिल्कुल जो शॉट से लिए लेकिन ना टेक डाउन निकाला है ना टेक ही डाउन अभी के लिए यहाँ पर दिया है, और दोनों ही प्लेयर्स कवर टू कवर जाकर जो है अभी के लिए फिलहाल खेलते हुए जरूर नजर आ जाएंगे। हाइंजो एंड दीपन भी यहाँ पर जो है देखिए टिके रहेंगे, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग हाइंजो ने सामने ही यहाँ पर जो अभी के लिए फिलहाल किसी एक प्लेयर को करा स्पॉट आउट, लेकिन जाएंगे का इस समय यहाँ पर टेक डाउन हो जाने वाला, ये जो डिसीजन है ना वो इतना ज्यादा यहाँ पर जो है सही मुझे दिख नहीं रहा। धीरज इस समय यहाँ पर जो है पूरी तरीके से अधीरज ही होते नजर आ रहे हैं, बिल्कुल भी धीरज नहीं रखेंगे, क्योंकि उनको मालूम है अगर अभी टीम ऑपरेक्स के प्लेयर्स को अगर इस समय यहाँ पर एलिमिनेट नहीं करा तो फिर वो इन द एंड गेम्स में यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी खुद की यहाँ पर बढ़ाते नजर आएंगे, क्योंकि हम सब ने देखा है कि उनका एक भी प्लेयर अगर कमबैक करता है ना तो वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो दिक्कतें यहाँ पर बढ़ा देते हैं। बट LR7 की अगर बात करी जाए, धीरज यहाँ पर जो फाइट्स करते नजर आएंगे अलॉन्ग साइड टीम LR7 ई-स्पोर्ट्स क्वेरी के रीजन की ये फाइट्स चल रही है, बट लेट्स सी इन द एंड गेम में गाइस कौन सी टीम रहेगी जो कि अपने यहाँ पर जो है फाइनल लाफ यहाँ पर जो है लेती हुई नजर आएगी। बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं, चलिए यहाँ पर जो प्लेयर्स है वो किस तरीके से यहाँ पर फाइट्स करते हैं। अभी के लिए यहाँ पर तो सभी प्लेयर्स आराम से यहाँ पर जो टिके रहेंगे, काफी ज्यादा सोच समझ कर अभी के लिए यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर जो दिखाते जरूर नजर आएंगे। बट LR7 की अगर बात करी जाए तो अधीरज कनिष्क स्नैपी यहाँ पर जो बिल्कुल वेट करते नजर आएंगे, ऑपरेक्स ई-स्पोर्ट्स लेकिन स्नेक दूसरी तरफ यहाँ पर जो ट्रेड्स है वो निकालेंगे टीम अपनी टीम से, बट लेट्स सी यहाँ पर जो ट्रेड्स है वो किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जस्ट XD यहाँ पर जो बिल्कुल हमको देखने को मिल जाएंगे,
बिल्कुल यहाँ पर अगर बात करिए जस एक्सडी यहाँ पर जो है बिल्कुल ऐसे में यहाँ पर प्रिपेयर दिखाई दे रहे हैं। स्नेक मैवरिक एंड निशी भी यहाँ पर जैसे में हमको जो प्रिपेयर्ड है वो दिखाई दे रहे हैं। लेट्स यहाँ पर जो डाउनफॉल है वो किस तरीके से हमको जो है विटनेस करने को यहाँ पर जो है मिल जाने वाले हैं। लेट्स यहाँ पर जो है अगर बात करी जाए डाउनफॉल अभी भी यहाँ पर जो है बिल्कुल रुक कर जो है थोड़ा सा होल्ड कर थोड़ा सा सोच समझ कर जो आगे की तरफ बढ़ेंगे। बट टीम पावर एज ऑफ नाउ, टीम पावर की अगर बात करी जाए ना तो एक अच्छी पोजीशनिंग सभी के लिए फिलहाल हमको जो है देखने को मिल सकती है। लेट्स यहाँ पर जो है फाइट सब किस तरीके से रहेंगी क्योंकि यहाँ पर सुपरमैन दीपू बॉट 07 ज्यूस एंड साइको यहाँ पर जो है बिल्कुल आराम से यहाँ पर जो तैनात है वो दिखने वाली है। लेट्स यहाँ पर जो है फाइट सब किस तरीके से रहने वाली है। साइको दीपू एंड सुपरमैन वेल बिल्कुल आराम से यहाँ पर होल्ड जरूर करते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन अगर बात करी जाए एसई की तरफ से क्रेजी जाट ऐसी की तरफ से क्रेजी जैक ट्रोलेक्स एंड यहाँ पर जो सम्राट है वेल वो बिल्कुल अभी के यहाँ पर देखिए जो तैनात है वो दिखेंगे। बट टीम नॉन स्टॉप गेमिंग जालिम 22 एंड यही यहाँ पर जो है ना वो बिल्कुल वेट करते हुए जरूर नजर आएंगे। बट टीम एनजी के प्लेयर्स लेट्स यहाँ पर जो फिनिशर्स है वो किस तरीके से निकाले जाएंगे। बट टीम एसएच ऑफिशियल्स के जो प्लेयर्स है स्टिल वो अभी भी होल्ड करते नजर आएंगे। बट 32 प्लेयर हमारे बीच पूरी तरीके से तैनात और आज के दिन का जो अंतिम मैच है जो जोन यहां पर देखिए काफी ज्यादा साउथ वेस्टर्न हार्ट श्रिंक करेगा। और जितनी भी टीम्स मेन वाल में बोलना चाहता हूं एक नॉर्थ ईस्टर्न काइंड ऑफ रोटेशंस करना चाहती हैं उनके लिए तो ये चुनौती बिल्कुल भी जो आसान है वो नहीं रहने वाली। बिल्कुल भी मैं बोलना चाहूंगा ये जो चुनौती है वो आसान यहाँ पर रहेगी नहीं। बट क्रेजी जैट गॉडज़िला ट्रोलेक्स एंड सम्राट यहाँ पर जो है ना बिल्कुल रुक कर जो देखिए अभी भी खेलते हुए जरूर नजर आ जाएंगे। सम्राट के ऊपर ऐसे में यहाँ पर जो निगाहें हैं वो काफी ज्यादा रहने वाली हैं और आराम से यहाँ पर ये दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स ऐसे में यहाँ पर यू नो जो होल्ड है वो करते नजर आएंगे। महेंद्र विशाल जालिम एंड जो यही है वो बिल्कुल ना वेट करते हुए ऐसे में जरूर नजर आएंगे। बट टीम शीक की बात करी जाए गॉडज़िला ट्रोलेक्स एंड सम्राट ऐसे में यहाँ पर जो देखिए वेट जरूर करने वाले। बट एनजी की तरफ से जो महेंद्र जालिम एंड यही हैं वो भी रुक कर जो है जरूर खेलते नजर आएंगे। बट टीम पागल M10 की अगर बात करें तो उनके द्वारा जो शॉट्स हैं वो लिए जा रहे हैं फ्री की इस समय टेक डाउन AIM07 की तरफ से यहां पर देखा जाए जो M10 है वो भी ट्रेड्स पे जो ट्रेड्स वो निकालते नजर आएंगे। बट ये लीजिए AIM07 M10 यहां पर जो फिनिशेस है वो सिक्योर करते हुए जरूर नजर आ जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो मैवरिक बिल्कुल कंफर्मेशंस यहाँ पर जो निकालेंगे। बट फ्री की M10 एक अच्छी पोजिशनिंग्स में यहाँ पर फिलहाल दिखाई देंगे। टीम AG के प्लेयर्स की अगर बात करी जाए तो वो भी अब आगे की तरफ यहाँ पर देखिए जरूर बढ़ते नजर आ जाने वाले। प्रॉपर पोजिशनिंग्स फिलहाल हमको जो है विटनेस करने को यहाँ पर मिलती है। लेकिन सुपरमैन यहाँ पर जो है ना बिल्कुल वेट करेंगे। टीम बॉस की ऑफिशियल की तरफ से यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने अपने चारों प्लेयर्स को एक बार वापस यहाँ पर रिकॉल कर अपने लिए एक उम्मीद की जो किरण है वो यहां पर जगाई है कि यहां पर जो हम भी अभी क्लियर टिक सकते हैं इस मैच के अंदर। बट ऑपरेक्स स्पोर्ट्स बिल्कुल डैमेज यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है देते हुए नजर आ जाने वाले काफी ज्यादा अभी के लिए देखिए जो प्रॉब्लम्स है वो काफी ज्यादा यहाँ पर जो है बढ़ती हुई जरूर नजर आ जाएगी। बट लेट्स सी यहाँ पर जो है फाइट्स हमको किस तरीके से यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगे किस तरीके से अभी के लिए जो प्लेयर्स हैं वेल वो आराम से यहाँ पर जो है होल्ड करेंगे। बट अगर बात करते हैं टीम ऑपरेक्स की तरफ से अभी तो ऑपरेक्स की तरफ से अभी तक एक भी जो फिनिश है वो लिया नहीं है। डीपन ने ऐसे में जरूर प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर जो टेक डाउन करा है और यहाँ पर डीपन के द्वारा जो एलिमिनेशन है वो भी यहाँ पर चलिए सिक्योर कर लिया जाएगा। निशी इस समय यहाँ पर टेक डाउन करी जाएंगी सुपरमैन के थ्रू। तो टीम पावर के प्लेयर्स भी एक बार फिर से किल फीड के अंदर अपना जो रॉब है अपने यहां पर जो प्रबल दावेदारी पेश करने के लिए यहां पर आ चुके। इस टीम ने जिस तरीके से आज का प्रदर्शन करा है मैं तो बोलना चाहूंगा आज का जो दिन है अगर वो एक मैच छोड़ देना जिसमें सबसे पहले एलिमिनेट हुए थे उसके बाद पूरा दिन इन्होंने अपने नाम करा बैक टू बैक भूया सिक्योर करे बैक टू बैक कुछ कमाल के मैचेस फिनिशेस एलिमिनेशन यहां पर जो अपने नाम है करे। और फ्री की M10 की अगर बात करी जाए तो एक बार फिर से यहां पर जो टेक डाउन है करते नजर आएंगे। टीम पागल M10 की तरफ से यहां पर जो टीम बॉस के डाउनफॉल को एक बार फिर से यहां पर टेक डाउन कर दिया जाएगा और वेल जो कंफर्मेशंस हैं वो सिक्योर करी जा रही हैं। बिल्कुल अभी के लिए यहाँ पर देखिए फिलहाल जो फाइट्स है वो यहाँ पर जारी रहेंगी। एजी के जो ज्यूस रहेंगे जो दीपू बॉट 07 है वेल वो भी आराम से यहाँ पर वेट करना चाहते हैं। सुपरमैन की अगर बात करी जाए एक अच्छी पोजिशनिंग हमको जो ऑलरेडी यहाँ पर जो विटनेस करने के यहाँ पर मिल रही है। बट टीम सुपरमैन यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर जो है टीम पार के प्लेयर्स यहाँ पर देखिए सुपरमैन खेल रहे हैं तो पावर तो इनके पास होगी होगी ऑफ कोर्स यहाँ पर जाहिर सी बात है। लेकिन फैप की तरफ से अगर देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल टीम SH ऑफिशियल्स के प्लेयर्स जो ऑलरेडी यहाँ पर फाइट्स के अंदर जो है कमिटमेंट करते नजर आएंगे। बट इस समय जोन के अंदर प्रवेश करना और इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती टीम पावर के रूप पर यहाँ पर जो है खड़ी हुई है क्योंकि वो गेट कीप करने के लिए ना पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है। और ज्यूस ने तो ऑलरेडी यहाँ पर जो टेक डाउन करके एलिमिनेशन भी सिक्योर करना चालू कर दिया। बट डीपू बॉट
7 टेक डाउन करने का प्रयास अभी भी जारी और कंफर्मेशन 17 के ऊपर भी जो है ले लिए जाएंगे। जेनेक्स बॉय भी इस मैच को छोड़कर जाते नजर आएंगे। बट टीम पागल 10 ने अब अपने जो है दो साथियों को कुछ अलग तरीका अपनाने का, जोन को यहां पर पाने का यहां पर जो अपनाया है, बट जोन यहां पर अगला श्रिंक किसी भी टीम को यहां पर देखिए फेवर नहीं करेगा। टीम नॉन स्टॉप गेमिंग की अगर बात करी जाए, महेंद्र ऑलरेडी यहां पर जो है फाइट्स करते नजर आएंगे, बट K98 की तरफ से स्वैगर टीम डू और डाई की तरफ से वेल क्या एलिमिनेशन देखने को मिलेगा यहां पर। लेकिन जी नहीं, यही के ऊपर यहां पर पूरा का पूरा दारोमदार, बट देखते ही देखते टीम डू और डाई स्वैगर यहां पर चले हैं और स्वैग से ही करते नजर आएंगे। देखिए सबका स्वागत, बट ऑपरेक्स की तरफ से जाएंगी यहां पर एक सोलो प्लेयर, बट सुपरमैन एक बार फिर से टीम पावर की तरफ से यहां पर जो बैक है वो करते हुए नजर आ जाएंगे। बिल्कुल देखिए बैक टू बैक अभी के यहाँ पर जो ट्रेड्स है वो यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। सुपरमैन की बात करी जाए ना, आराम से अभी के यहाँ पर जो वो होल्स हैं वो यहाँ पर जारी रहेंगे। लेट्स यहाँ पर जो टीम्स है वो किस तरीके से यहाँ पर जो फिनिशेस है वो यहाँ पर जो है निकालती हुई यहाँ पर जो है नजर आ जाने वाली रहेंगी, किस तरीके से यहाँ पर जो टीम्स है वो फाइट्स हमको जो है देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर टीम पावर अभी के लिए वेल देखिए बिल्कुल वेट कर रहे हैं और गोल्फ कर्स के रीजन के अराउंड यहाँ पर जो है ये जोन देखने को मिलेगा। लेकिन शॉट्स जो है वो प्रॉपर लिए जा रहे हैं टीम पावर के थ्रू और यहाँ पर सप्रेस करने का प्रयास करा जाएगा। साइको एक्स के तो बहुत ज्यादा करीब से निकल गए, बट कनेक्शन साइको एक्स के द्वारा यहाँ पर कुछ खास इतने ज्यादा यहां पर ढूंढ नहीं पाए। टीम पागल M10 धीमे धीमे करते करते जोन की तरफ यहां पर जरूर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल अगर बात करते हैं देखिए टीम HOD की तरफ से यहाँ पर जो संकेत हैं, जो स्वैगर हैं वो बिल्कुल वेट करते नजर आएंगे, बट साथ ही साथ यहाँ पर संकेत के द्वारा यहाँ पर जो शॉट्स है लिए जाएंगे और बिल्कुल टीम पार यहाँ पर बिल्कुल ट्रेड्स पे ट्रेड्स निकाल रही है और अभी भी यहाँ पर जो रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा है। बट स्वैगर संकेत ने यहाँ पर जो है टीम पावर के ऊपर हल्की सी यहाँ पर जो लगाम लगाई है एक बार फिर से, क्योंकि यहाँ पर जो डैमेज वगैरह काफी ज्यादा दिया है। लेकिन अगर बात करते हैं ना सुपरमैन एंड डीपू वॉट 07 की, ये डेडली डुओ अभी भी होल्ड करते नजर आ रहा है। लेकिन साइको एज ऑफ नाउ एक अच्छा कंक्रीट कवर वेट कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, सुपरमैन को टेक डाउन करा था। लेकिन यहाँ पर संकेत को संदेश दे दिए कि अगर आपने शुरुआत करी है चलिए इस फाइट की तो अंजाम हिसाब से करेंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग टीम डू और डाई का एलिमिनेशन, जी हाँ बिल्कुल पूर्ण रूप से यहाँ पर जो एलिमिनेशन है वो देखने को मिलेगा। और एक बार फिर से क्या बुइया की तरफ जा रही है ये टीम, क्या 6 में से 4 बुइया अपने नाम कर पाएंगे या 3 अपने नाम कर पाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी। बट टीम SH ऑफिशियल्स के जो प्लेयर्स रहेंगे निखिल एंड राहुल यहाँ पर जो है बिल्कुल वेट जरूर यहाँ पर करते नजर आएंगे एंड लेट्स सी ये जो फाइट्स है उनको किस तरीके से यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगी। लेकिन देवी और सज्जनों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जो है बिल्कुल भी यहाँ पर जो है मत भूलिएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ देखा जाए तो ये टीम आगे की तरफ बढ़ती हुई जरूर नजर आ जाने वाली है। प्रोगेट्री का ये आखिरी मैच अगर यहाँ पर फिलहाल देखते हैं, अंतिम 16 प्लेयर्स हमारे बीच तैनात और टीम SH ऑफिशियल्स चाहेंगे कि जोन उनके ऊपर है, मौका भी है, दस्तूर भी है, बस एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन की दरकार है क्योंकि हाई ग्राउंड्स है आपके पास, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है आपके पास, आप आसानी से यहाँ पर जो है टेक डाउन कर सकते हैं वेल अपने अपोनेंट्स को। बट अगर देखा जाए राहुल यहाँ पर जो है बिल्कुल देखिए रुक कर खेलते नजर आ जाएंगे, गगन एंड प्रणय भी यहाँ पर वेल जो है बिल्कुल वेट करते हुए जरूर नजर आ जाने वाले। जो शॉट्स हैं वो लिए जा रहे हैं निखिल, गगन एंड प्रणय के थ्रू, बट लेट्स सी यहाँ पर कनेक्शंस किसके ज्यादा बेहतरीन रहने वाले। जो डैमेज है वो काफी ज्यादा हद तक जो है दे दिया जाएगा, बट फैप के जो निखिल लेवल वो भी वेट करते हुए नजर आ जाएंगे। बट SH राहुल फिनिशेस में फिनिशेस निकाले जाएंगे। निखिल अभी के लिए पर जो बहुत ज्यादा लो ऑन हील्स यहां पर रहने वाले हैं। लेकिन अगर बात करी जाए तो डीपू बॉट 07 इस समय यहां पर टेक डाउन, गगन एंड प्रणय भी ऐसे में यहां पर जो फिनिशेस है वो निकालना चाहते थे। लेकिन सडनली यहां पर जो गेम है वो चेंज होता हुआ यहां पर देखिए नजर आ जाने वाला है। फ्रीकी M10 उनको भी आगे की तरफ बढ़ना है, बट सुपरमैन यहां पर जो है उनके साथ ही डीपू बॉट 07 बताया है कि अगर हाई ग्राउंड्स नहीं है हमारे पास तो हम ले सकते हैं। और पूरी तरीके से टीम ऑपरेक्स स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को भी अभी के लिए पर जो एलिमिनेट कर दिया जाएगा इस मैच से। बट टीम पावर अपनी पावर दिखाते नजर, अपने गन पावर को सही तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे और जो रिजल्ट्स हैं जो नतीजे हैं वो अपने साथ करते नजर आएंगे। और देखिए M10 को उतरते क्षण ही देखा और तुरंत ही पैराशूट से यहाँ पर टेक डाउन कर दिया और 7 किल ऑलरेडी यहाँ पर डीपू वॉर 07 जो है वो निकाल चुके हैं। क्वाड्रा किल यहाँ पर ज्यूस के नाम रहेंगे और अब अंतिम 9 प्लेयर जिसमें M10
की तरफ से यहाँ पर जो है फ्री की एकमात्र इकलौता प्लेयर जीवित, लेकिन सुपरमैन अंदर की तरफ अटैक जाएंगे। ज्यूस ऑलरेडी यहाँ पर जो शॉट्स है वो लेते नजर आ रहे हैं, जो डैमेज है वो देखिए देना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी अभी के लिए पर जो हीलिंग्स है वो काफी ज्यादा लो है, बट साइको के द्वारा ऑलरेडी यहाँ पर जो कर दिया जाएगा टेक डाउन। जो डैमेज है वो अपने ऊपर जरूर अभी के लिए लेते नजर आएंगे, बट ज्यूस के द्वारा एक और प्लेयर को कर दिया जाएगा टेक डाउन। और देखते ही देखते एससी की तरफ से जो सम्राट है वो भी टेक डाउन हो जाएंगे, और वेल टीम एससी के प्लेयर्स भी इस मैच से एलिमिनेट। तो लगभग ये नहीं, अब आप 100% कंफर्म मान लीजिए कि ये जो बुया है आज के दिन के अंतिम मैच का भी, वो पूरी तरीके से टीम पावर के नाम यहां पर जो है देखिए जाता हुआ जो है नजर आ जाएगा। एक बेहतरीन प्रदर्शन अभी के लिए फिलहाल हमको जो है विटनेस करने को मिलेगा। एक 4v1 की फाइट रहेगी। टोटल यहां पर जो है एलिमिनेशंस की अगर बात करी जाए तो 8, 6, 14, 3, 17, 18 एलिमिनेशंस के साथ इस बुया को अपने नाम सिक्योर कराएं टीम पावर। सचमुच में यहाँ पर वो जो जज्बा है वो देखने को मिला, कमाल के बैक टू बैक एलिमिनेशन यहाँ पर इस टीम ने निकाले, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिले, और टोटल यहाँ पर कुछ कमाल के फिनिशेस अपने नाम करेंगे। 8, 6, 14, 3, 17, 18 एलिमिनेशन कर अपनी टीम को पहले पायदान पर जो एंड है वो करेंगे। बट चलिए गाइस आज के लिए बस फिलहाल इतने। अगर आपने स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिए, अगर आपको मेरी कास्टिंग अच्छी लगी और असर_कास्ट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वर्क के लिए। और आज के लिए बस फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए गाइस सभी लोगों को टाटा बाय बाय, टेक केयर, वेल, पीस आउट एंड साइनिंग आउट। Thank you.
Yeah.
हैं।